से मैं हमने 14 जुलाई 2016 को राज्यसभा परिवर्तित बजट 2014-15 प्रस्तुत किया था। एक वर्ष से भी कम अंतराल के पश्चात आज मैं 2015-16 के आय व्यय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। पिछले बजट में हमने ये बताया था कि किस प्रकार की जर्जर अर्थव्यवस्था हमें विरासत में मिली थी। मैं उन बातों को यहाँ दोहराना नहीं चाहती हूँ, परंतु यह एक कठोर सत्य है कि कुल मिलाकर प्रदेश वित्तीय कुप्रबंधन का शिकार है। आज मैं 4 लाइन उनके लिए समर्पित करना चाहती हूँ जिनको आज यहाँ होना चाहिए था और जिनकी वजह से आज प्रदेश के लिए हालात हैं। तुम चाहते तो हालात बदल नहीं सकते थे, ये हालात आवाम की आंखों से देख नहीं सकते थे, मगर तुम तो ठहरे ही गए झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल नहीं सकते थे। टीम राजस्थान ने इस गंभीर चुनौती को स्वीकार किया है और सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और लगन के से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए सुधारात्मक कदम उठाने शुरू किए ताकि आर्थिक हालत सुधर सके। जैसे कि मैं बार बार कहती आ रही हूँ, इस गंभीर स्थिति से उभर पाना कोई एक दिन, दो दिन या एक वर्ष का काम नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया का हिस्सा है, क्योंकि यहाँ एक ओर आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर जन आकांक्षाओं की पूर्ति करना भी उतना ही आवश्यक है। हमारे हौसले बुलंद हैं और हमने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए कठोर परिश्रम का मार्ग अपनाया है ताकि हम जल्द से जल्द प्रदेश को आर्थिक और सामाजिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ा सकें। कैपिटल एक्सपेंडिचर में वर्ष 2013-14 के मुकाबले वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान के अनुसार 40% की वृद्धि होना संभावित है, अर्थात हमने कर्ज को एसेट्स क्रिएशन करने में लगाया है। आर्थिक सलाहकारों की माने तो पिछले एक वर्ष में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयास निश्चित तौर पर आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में उठाए गए सराहनीय कदम हैं, परंतु आर्थिक स्थिति मजबूत होने में अभी समय लगेगा। इतना आवश्यक है कि गत 14 माह के अथक प्रयासों से प्रदेश के प्रति देश विदेश में एक सकारात्मक रुख उत्पन्न हुआ है और निवेश का वातावरण बना है। निराशा और हताशा के माहौल की जगह आज आशा और विश्वास का वातावरण बना है। मुझे याद है किस प्रकार सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश की जनता ने अपना अटूट विश्वास और स्नेह हमारे प्रति दिखलाया। इस परिवार के कल्याण के लिए और इस गौरवपूर्ण प्रदेश की खुशहाली, उन्नति और सर्वांगीण विकास के लिए टीम राजस्थान पूर्णतया समर्पित है। अध्यक्ष महोदय, हमने अपने पिछले कार्यकाल में 6 आदर्शों को आधार मानते हुए प्रदेश की नीति निर्धारित की थी और इसके समग्र विकास की आधारशिला रखी थी। इस बार भी हमने इसी दिशा में प्रयास किए हैं और बिना समय गवाए कार्यभार ग्रहण करने के एक सप्ताह के अंदर ही 20 दिसंबर 2013 को प्रदेश के मंत्रिमंडल सहयोगियों और अधिकारियों के समक्ष विजन 2020 प्रस्तुत किया, जिनमें हमने एक हेल्थी, एजुकेटेड, जेंडर सेंसिटिव, प्रॉस्परस एंड स्माइलिंग राजस्थान विद अ वेल डेवलप्ड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परिकल्पना का उल्लेख किया था। हमारा उद्देश्य है कि हम प्रदेश को पुनः अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करें। हाल ही में प्रदेश की 46 नगरीय निकायों तथा समस्त पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराए गए हैं। इनमें चुने गए महापौर, सभापति, जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और बोर्ड पंचों को मैं बधाई देना चाहती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधिगण जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे और विजन 2020 की भावना के अनुरूप राजस्थान के नव निर्माण में भागीदार बनेंगे। प्रदेश का त्वरित विकास तभी संभव है जब हम आर्थिक आधारभूत संरचनाओं के साथ साथ सामाजिक आधारभूत संरचनाओं का विकास करें, जल संरक्षण और संग्रहण पर ध्यान दें,
मानव संसाधन का विकास करें जिससे उनकी प्रतिभा उभर कर सामने आए और उनकी सकारात्मक ऊर्जा प्रदेश के विकास में लग सके। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जिसमें आर्थिक प्रगति के साथ साथ प्रत्येक परिवार को रोजगार के अवसर मिले और विकास की मुख्य धारा से कोई भी वंचित न रहे। इन लक्ष्यों को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं जब शासन की शीर्ष इकाई जमीनी स्तर से जुड़ी रहे और सुशासन कायम रहे। समृद्ध और विकसित राजस्थान के निर्माण के लिए जहां इन सभी आधार स्तंभों को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया है, वहीं सब जन उत्थान और सब जन विकास के नारे को यथार्थ में बदलने के लिए मूलभूत आवश्यकता वाले विभागों जैसे बिजली, पेयजल, जल संसाधन, कृषि और सड़क, चिकित्सा और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ साथ राजस्व न्याय में लंबित विवादों के शीघ्र निराकरण की दिशा में निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेशवासियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो ताकि प्रत्येक व्यक्ति औसत आय में भी वृद्धि हो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने जिस प्रकार पिछली बार वर्ष 2007 में विसर्जित राजस्थान का आयोजन किया था, उसी प्रकार का आयोजन इस वर्ष नवंबर माह में रखा गया है जिससे कि औद्योगिक निवेश का वातावरण बन सके और युवाओं को बेहतर रोजगार राजस्थान में ही मिल सके। राजस्थान औद्योगिक निवेश नीति 2014 तथा सौर ऊर्जा नीति 2014 इसी दिशा में उठाए गए महत्वपूर्ण कदम है। मैं मानती हूँ कि प्रदेश में आर्थिक प्रगति तथा सस्टेनेबल, इंक्लूसिव एवं इक्विटेशियस ग्रोथ के लिए प्रायोरिटी सेक्टर्स को चिन्हित कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना होगा। मेरी परिकल्पना है कि हम प्रदेश के हर गांव ढाणी को सड़क से जोड़ें, लोगों को 24/7 गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराएं और पीने के लिए शुद्ध पेयजल मुहैया कराएं। इस हर परिवार को पक्की छत मिले और हर बीमार तक चिकित्सा सुविधा पहुंचे तथा प्रदेश का कोई बालक और बालिका अशिक्षित नहीं रहे, इसी परिकल्पना को हमें साकार करना है। मेरा मानना है कि शिक्षित महिला ही प्रगतिशील परिवार और प्रगतिशील राजस्थान की नींव है। मेरी सोच है कि समाज के वंचित वर्ग और निःशक्त जनों के लिए क्रियान्वित की जाने वाली सामाजिक योजनाएं मात्र योजनाएं नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारे दायित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। विषम आर्थिक परिस्थिति के बावजूद भी हम इस परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की भी है कि सूचना प्रौद्योगिकी तथा मोबाइल सेवा के माध्यम से प्रदेश के नागरिकों को सरकारी योजनाओं से 24/7 जोड़ा जा सके ताकि वे इन योजनाओं का समुचित लाभ उठा सके। विकेंद्रीकृत योजना को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद जिलेवार कुछ कार्यों को चिन्हित किया गया है। इन कार्यों को संबंधित विभागों की कार्य योजना में शामिल किया जाएगा और इन कार्यों का उल्लेख मैं आगे करूंगी। यह बजट अध्यक्ष महोदय राजनीति नहीं बल्कि राजधर्म से प्रेरित है। जनता पर केंद्रित यह बजट न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है जिससे कि सही मायने में सशक्त संपन्न राजस्थान का निर्माण हो सके। इसी पुनीत उद्देश्य के साथ और जनता को सर्वोपरि रखते हुए मैं आपके समक्ष बजट 2015-16 प्रस्तुत करती हूँ। इस वर्ष हमारी योजना है कि 10,000 किलोमीटर से अधिक विभिन्न श्रेणियों की सड़कों का निर्माण कार्य अथवा नवीनीकरण के कार्य कराए जाए। गत बजट में मैंने इस महत्वपूर्ण आर्थिक ढांचे के निर्माण के लिए 20,000 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को निजी जन सहभागिता के आधार पर विकसित किए जाने की घोषणा की थी। वर्ष 2015-16 में निम्न राजमार्गों पर कार्य प्रारंभ किया जाएगा। डूंगरगढ़ सरदार शहर राजगढ़ 159 किलोमीटर, श्री गंगानगर रायसेन नगर बीकानेर 227 किलोमीटर, दूधू मानपुरा टूडा रायसेन 104 किलोमीटर, दर्रा खानपुर इटेरा 89 किलोमीटर, सीकर लाडू नोखा 200 किलोमीटर। गांव की यात्रा के दौरान महिला और ग्रामवासियों ने मुझे गांव के खस्ता हाल सड़कों एवं उन पर वाटर लॉगिंग के कारण हो रही परेशानियों से अवगत कराया था। इन परेशानियों को दूर करने के लिए
हमने ग्रामीण गौरव पथ योजना लागू की है। इसके तहत प्रथम चरण में 2154 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 2119 किलोमीटर लंबाई के आरसीसी रोड तथा नाली निर्माण किए जाने की स्वीकृति जारी की है तथा ये कार्य प्रगति पर है और इसके साथ साथ गांव की आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए वर्ष 2015-16 में 2000 किलोमीटर लंबाई के मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण की भी मैं घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष में इन कार्यों हेतु 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। आउटपुट एंड परफॉर्मेंस बेस्ड रोड कॉन्ट्रैक्ट पद्धति के तहत 8 वर्ष के लिए सड़कों का रख रखाव सक्षम ठेकेदारों के माध्यम से कराए जाने की मैंने गत बजट में घोषणा की थी। प्रथम चरण में इस पद्धति को अलवर और धौलपुर जिले में लागू करने की कार्रवाई हमने प्रारंभ कर दी है। राज्य में 250 से 499 तक की आबादी वाले 600 गांवों को 500 करोड़ रुपए की लागत से 1440 किलोमीटर लंबाई की सड़कों से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है जिसे दिसंबर 2015 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 250 व इससे अधिक आबादी के 1100 ढाणी मजरे को सड़कों से जोड़ने का कार्य भी आगामी वर्ष में पूर्ण किया जाएगा और इस पर 960 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। आगामी वर्ष में निम्नलिखित कार्य भी करवाए जाएंगे। सवाईमाधोपुर जिले में भैरू दरवाजा से सवाईमाधोपुर शहर तक एडिशनल कैरेज वे का निर्माण 30 करोड़ रुपए की लागत से, हनुमानगढ़ शहर और हनुमानगढ़ जंक्शन के मध्य घग्गर नदी पर उच्च स्तरीय पुलिया पुल के पुनर्निर्माण का कार्य 40 करोड़ रुपए की लागत से, डूंगरपुर जिले के सादला बाईपास और टीचवाड़ा से सिंटेक्स चौराहा वाया तहसील चौराहा सड़क का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य 14 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से, धौलपुर जिले में सेवर से पाली तक सड़क इसका निर्माण 4 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से, चित्तौड़गढ़ जिले में भोपाल सागर से नरेला वाया सूरजपुरा सड़क का सुदृढ़ीकरण और विस्तारीकरण का कार्य 76 करोड़ 88 लाख रुपए की लागत से, चंबल नदी पर गैता जिला कोटा तथा मखीदा जिला बूंदी के मध्य उच्च स्तरीय पुल का निर्माण 102 करोड़ रुपए की लागत से, भरतपुर के नदवे बाईपास और आरओबी का कार्य 105 करोड़ रुपए की लागत से, अलवर शहर में घोड़ाफेर सर्किल से अहिंसा सर्किल तक कटिघाटी के अहिंसा सर्किल सड़क का विस्तारीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य 30 करोड़ रुपए की लागत से, वर्ष 2015-16 में 4000 किलोमीटर से अधिक लंबाई में नॉन पैचेबल मुख्य जिला सड़कों अन्य जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण के कार्य 847 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण कराए जाएंगे। खनिज क्षेत्र उनके आवागमन के साधनों को बढ़ावा देने, खानों में कार्य करने वाले श्रमिक तथा उस क्षेत्र में बसे गांव के लोगों की सुविधा के लिए खानों को जोड़ने वाली सड़कों का विकसित होना आवश्यक है और इस क्षेत्र इन क्षेत्रों की सड़कों का विकास कार्य 50 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 1 अप्रैल 2014 को निर्माणाधीन 8 रेलवे ओवरब्रिजेस में से एक आरओबी भरतपुर मथुरा राजमार्ग संख्या 24 का निर्माण कार्य इस वर्ष पूर्ण कर लिया गया है। 5 आरओबी यथा गंगापुर सिटी हिंडोन जिला सवाईमाधोपुर, मकराना जिला नागौर, बनिया मुरैना जिला धौलपुर, धाबादे मोरक जिला कोटा व फुलेरा जिला जयपुर का निर्माण कार्य वर्ष 2015-16 में पूर्ण कर लिया जाएगा। साथ ही लोहावट जिला जोधपुर में रायकाबाग जैसलमेर रेलवे लाइन सेक्शन रेलवे CH 103/800 पर आरओबी का निर्माण 35 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इसी तरह आगामी वर्ष में राज्य में निम्नलिखित रेल अंडरब्रिजेस का निर्माण 14 करोड़ की लागत से शुरू किया जाएगा। गोगामेढ़ी तहसील भादरा और जिला हनुमानगढ़ 105 किलोमीटर पर, तहसील भादरा अनूप शहर जिला हनुमानगढ़ 124-125 किलोमीटर पर, सिद्धमुख भादरा जिला हनुमानगढ़ 136 किलोमीटर पर, सिद्धमुख नरवासी जिला चूरू 160-161 किलोमीटर पर, नरवासी सूरतपुरा जिला चूरू 165 किलोमीटर पर, नरवासी सूरतपुरा जिला चूरू 169 किलोमीटर पर और नरवासी सूरतपुरा जिला चूरू 170 किलोमीटर पर सड़क परिवहन
की स्थिति अच्छी नहीं है। हमने आरएसआरटीसी के में सुधार के लिए अनेक उपाय सुझाए थे जिन पर कार्रवाई जा रही है। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध में हो तथा रोडवेज की परफॉर्मेंस सुधरे जिससे वह सेल्फ सस्टेनिंग बने, ये हमारा प्रयास और मंशा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए गत वर्ष मैंने आरएसआरटीसी के कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रखते हुए आरएसआरटीसी को रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस कार्यक्रम के तहत अनुदान देने की घोषणा की थी। आगामी वर्ष में भी रिफॉर्म लिंक्ड असिस्टेंस कार्यक्रम जारी रखते हुए 120 करोड़ रुपए के अनुदान का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही राजस्थान स्टेट बस टर्मिनल अथॉरिटी का गठन भी किया जा रहा है। अथॉरिटी को उपलब्ध कराए जाने वाली भूमि और संसाधनों हेतु 300 करोड़ रुपया आरएसआरटीसी को उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य सरकार द्वारा यात्राओं पर दी जा रही विभिन्न रियायतों के लिए आरएसआरटीसी को 160 करोड़ रुपए की अनुदान राशि ये भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 23,000 निजी बसों के माध्यम से परिवहन सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। विगत कुछ वर्षों से राज्य में सड़क तंत्र के विस्तार के कारण कई क्षेत्र में सुरक्षित परिवहन सेवा का अभाव है। अतः मैं दूर दराज के क्षेत्रों में वैधानिक व सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 1,500 नए मार्ग खोलने की घोषणा कर रही हूं। अतिरिक्त वाहन चलेंगे और 26,000 व्यक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जुड़ेंगे। राजस्थान में ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करने की प्रणाली सब्जेक्टिव और नॉन ट्रांसपेरेंट है। मोटर वाहनों के फिटनेस सर्टिफिकेट एवं वाहन चालक लाइसेंस जारी करने हेतु सर्वप्रथम जयपुर में आधुनिक तकनीक से सुसज्जित इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड फिटनेस सेंटर एंड फुली ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का निर्माण निजी जन सहभागिता के आधार पर कराया जाएगा। जयपुर के पश्चात इस योजना को अन्य सभी संभागीय मुख्यालयों पर भी लागू किया जाएगा। गत बजट में मेरे द्वारा परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से कंप्यूटराइजेशन किए जाने की घोषणा की गई। इसके अंतर्गत वर्ष 2014-15 में परिवहन विभाग द्वारा वाहन पंजीयन एंड ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड पर जारी किए जाने, अन्य राज्यों में आ रहे वाहनों हेतु टैक्स जमा करवाने की ऑनलाइन सुविधा लागू की जा चुकी है। साथ ही परिवहन विभाग के उड़न दस्तों द्वारा प्रयुक्त वाहनों में GPS भी लगाए जा रहे हैं। आगामी वर्ष में वाहन कर, वाहन पंजीयन, चालक लाइसेंस और अनुज्ञा पत्र से संबंधित सभी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करने की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। सड़क सुरक्षा से संबंधित विभाग यथा परिवहन, पुलिस, शिक्षा, नगरीय विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के मध्य समन्वय स्थापित कर सड़क सुरक्षा के प्रावधानों को कानूनी रूप से प्रभावी बनाने के लिए राजस्थान स्टेट रोड सेफ्टी अथॉरिटी एक्ट बनाया जाए। ये अथॉरिटी प्रदेश में सड़क सुरक्षा संबंधी नीतिगत निर्णयों की पालना सुनिश्चित कराएगी। सड़क सुरक्षा के प्रति बच्चों को जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए राज्य के विद्यालयों के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा को सम्मिलित किया जाएगा। गत बजट हवाई परिवहन, गत बजट भाषण में मैंने राज्य में उपलब्ध हवाई पट्टियों में सुधार कर उनमें वायुयान कंपनियों को राजस्थान में ऑपरेट करने हेतु आकर्षित किए जाने का उल्लेख किया था। राज्य की हवाई पट्टियों के सुधार और विकास के लिए वर्ष 2015-16 में 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। पेयजल, राज्य में पेयजल की कमी के साथ साथ गुणवत्ता की भी गंभीर समस्या है। राज्य के कुल 121,133 गांव ढाणियों में से अब तक 70,171 गांव ढाणियों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। हमारा प्रयास है कि पेयजल संबंधी योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण करें ताकि बाकी गांव भी पेयजल से लाभान्वित हो सकें। कर परिवर्तित बजट में मेरे द्वारा पेयजल की 67 लंबित योजना में से 12 योजनाओं को वर्ष 2014-15 में पूर्ण करने हेतु 289 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई। उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए अब शेष 55 में से निम्न 12 योजनाओं को वित्तीय वर्ष 2015-16 में पूर्ण किए जाने हेतु 494 करोड़ रुपए के प्रावधान की घोषणा करती हूँ। इनमें से कुछ योजनाएं ऐसी भी हैं जो हमारे द्वारा वर्ष 2006-07 में प्रारंभ की गई थी तथा अब तक पूर्ण हो जानी चाहिए थी पर नहीं, और योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है। नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना इलाहाबाद,
पीपलदा पेयजल परियोजना जिला छावा, इंद्रोह का माणिकला दातीवाड़ा पेयजल परियोजना जिला जोधपुर, ये वर्ष 2006 के अंदर स्वीकृति थी, इतने साल निकल गए, आराम से बन सकता था, पर जो आज तक हुई नहीं है उसको हम पूरा करेंगे। देवालय नाथू शेरगढ़ छावा फेज खत्म एवं विद्या पेयजल परियोजना ये जिला जोधपुर, ये भी वर्ष 2007 की स्वीकृति है, इसको भी हम पूरा करेंगे। नर्मदा डीआर परियोजना जिला जालौर, जालौर शहरी पेयजल परियोजना सुदृढ़ीकरण जिला जालौर, मलदार जोड़ हिंडाल गोल फरोदी जिला जोधपुर, कांसी की स्थित मंडोर परियोजना फरोदी जिला जोधपुर, जयपुर बीसलपुर पेयजल परियोजना जिला जयपुर परियोजना के अंतर्गत शेष बचे एक पैकेज के तहत खो नागोरिया क्षेत्र के लिए नवीन पेयजल वितरण केंद्र का निर्माण किया जाएगा और बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना से शहर जयपुर व ग्रामीण क्षेत्र में पूरा पानी लाने के लिए 200 एमएलटी क्षमता जल शोधन संयंत्र का सूरजपुरा पर निर्माण किया जाएगा। अजमेर पुष्कर शहरी शुद्धिकरण पेयजल योजना जिला अजमेर, ये भी वर्ष 2007 की स्वीकृति है, आज तक नहीं पूरा किया है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बूंगी राजगढ़ परियोजना जिला चूरू एवं झुंझुनू, इसको कल सरकार ने वर्ष 2012-13 और 13-14 के बजट में घोषित धाबोक लिफ्ट परियोजना फेज टू के कार्यों को करने की घोषणा की थी, परंतु ये घोषणा है केवल कागजी ही नहीं, नागौर जिले में फ्लोराइड की समस्या है, इस परियोजना की क्रियान्वित प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। किशनगढ़ जिला अजमेर की पेयजल सप्लाई योजना के 7,20,00,000 रुपए का प्रतापगढ़ शहर की विद्यमान पेयजल सप्लाई योजना का पुनर्गठन 94,42,00,000 रुपए की लागत से, राजसमंद जिले की पेयजल समस्या के निदान के लिए साबरमती बेसिन को गोगुंडा में अंबावा गांव के पास देवास चतुर्थ बांध का निर्माण कर राजसमंद बांध में डायवर्जन किए जाने हेतु डीपीआर तैयार की जाएगी। खानपुर चालावाड़ में शहरी पेयजल वितरण योजना के पुनर्गठन का कार्य 16,84,00,000 रुपए की लागत से किया जाएगा। जैसलमेर जिले की मोहनगढ़ पेयजल सप्लाई स्कीम का पुनर्गठन 2,80,00,000 रुपए की लागत से एवं 133 RD तहसील जैसलमेर के पालेवार सेरस मोटी किलो की ढाणी पेयजल योजना के पुनर्गठन का कार्य 1,20,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 23,257 ग्राम ढाणियों के भूजल में अधिक फ्लोराइड एसिडिटी के कारण पेयजल गुणवत्ता की समस्या है। गुणवत्ता प्रभावित गाँवों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2015-16 में 2000 आर ओ प्लांट्स की स्थापना की जाएगी। वर्ष 2015-16 में 1016 एनर्जी बेस्ड बोरवेल की स्थापना की जाएगी। इन बोरवेल्स को प्राथमिकता से प्रदेश के उन स्थानों पर लगाया जाएगा जहां नियमित विद्युत आपूर्ति में बाधा आती है अथवा भू जल स्तर नीचे जाने के कारण हैंडपंपों का संचालन संभव नहीं है, इस हेतु 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की जनता जल योजना को दुरुस्त करने हेतु वर्ष 2015-16 में 139,55,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश में हैंडपंपों के वार्षिक रख रखाव के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर संभाग के दौरे के दौरान मैंने देखा कि संभाग के चारों जिले बीकानेर चूरू हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में विभाग द्वारा संचालित डिग्गी से संचालित पेयजल योजनाएं रख रखाव के अभाव में ठीक से काम नहीं कर रहे। इन योजनाओं में बनी डिग्गी तथा टंकी की साफ सफाई, मेंटेनेंस, फिल्टर प्लांट, इनलेट चैनल से डिग्गी तक खुले नाले के स्थान तक पाइप से जोड़ना, ट्यूबवेल को चालू करना तथा पाइप लाइन से लीकेज के दुरुस्तीकरण की आवश्यकता है। इस वर्ष इस कार्य के लिए 90 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। ऊर्जा, मैंने पहले भी अवगत कराया है कि किस तरह गत सरकार राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों को डेट ट्रैप में छोड़ दी गई। इन कंपनियों को अब पुराने कर्जे चुकाने के लिए भी कर्जे लेने पड़ रहे हैं। 31/3/2014 तक इनका अक्यूमुलेटेड लॉस 77,000 करोड़ रुपए से भी अधिक हो गया है। ये घाटा देश के 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के संकलित कर्ज से भी ज्यादा है। अभी इतना है, जब इन कंपनियों की वित्तीय हालत इतनी चिंताजनक थी तो ये मेरी समझ से बाहर है कि गत सरकार ने जो फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम वर्ष 2012 में लागू किया
वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए ही क्यों था। वर्ष 2013 में देर से लागू की गई एफआरपी के तहत अप्रैल 2015 के पश्चात बैंकों द्वारा इन डिस्काउंट को ऋण उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में इन डिस्काउंट पर भारी वित्तीय संकट की स्थिति बन गई है। इस स्थिति से उभरने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस गंभीर वित्तीय स्थिति से डिस्काउंट को उभरना और या उभारना हमारे लिए चुनौती है तथा इस संबंध में कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है, जिसमें आप सभी का सहयोग और इन सभी का सहयोग अपेक्षित होगा। मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगी कि एफआरपी के तहत इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं मॉनिटरिंग के लिए एक अधिनियम पारित करना अनिवार्य था, परंतु पूर्ववर्ती सरकार द्वारा यह नहीं किया है। ये कभी ये सब चीजें जिनको स्टेट जिससे संभलता है उसको कर ही नहीं पाता। अब हमें शीघ्र ही विधानसभा में राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट बिल लाना पड़ेगा और इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि राष्ट्रीय विद्युत वितरण निगम ऐसे ऑपरेशनल व फाइनेंशियल कदम उठाए कि उपभोक्ताओं को रिलायबल और एडिक्वेट विद्युत आपूर्ति हो और विद्युत वितरण निगमों का भी फाइनेंशियल टर्नअराउंड हो। दोनों साथ इन विषम परिस्थितियों के बाद भी राज्य सरकार द्वारा पिछले 14 माह में गुणवत्तापूर्ण विद्युत उपलब्ध कराई गई है और आगे भी उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। हागी और अंता में जीएसएस की स्थापना कर राजस्थान देश का एकमात्र ऐसा राज्य हो गया है जिसने 765 kV प्रसारण तंत्र की स्थापना की। प्रसारण तंत्र के और ये बहुत बड़ी बात है, 765 kV प्रसारण तंत्र की स्थापना की जो कहीं नहीं। प्रसारण तंत्र के विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में चित्तौड़गढ़ में 400 kV का एक ग्रिड सबस्टेशन स्थापित किया जाएगा, साथ ही 220 kV के 6 तथा 132 kV के 16 ग्रिड सबस्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। 400 kV का एक ग्रिड सबस्टेशन उदयपुर में तथा जोधपुर से उदयपुर तक 400 kV की नई लाइन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। राज्य में वर्ष 2015-16 में वितरण तंत्र को सुदृढ़ व विकसित करने के लिए 33 kV के 200 नए सबस्टेशन स्थापित किए जाएंगे। दिसंबर 2013 से आज तक किसान को 34,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए। वर्ष 2015-16 में भी 40,000 कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत 816 करोड़ रुपए की लागत से जयपुर, धौलपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़ और बाड़मेर जिले में 1,864 ढाणियों का विद्युतीकरण एवं 14,578 ढाणियों में सघन विद्युतीकरण कर 5,40,000 विद्युत कनेक्शन दिए जाएंगे। इससे 1,60,000 बीपीएल परिवार लाभान्वित होंगे। उपभोक्ताओं की समस्याओं के निवारण के लिए जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम में सेंट्रलाइज कॉल सेंटर आरंभ किए जाएंगे। इन सेंटर्स की स्थापना के साथ पूरे राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की शिकायतों के निवारण की केंद्रीयकृत व्यवस्था उपलब्ध हो सकेगी। घरेलू लाइटिंग में बिजली बचत के लिए एलईडी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए एस्को मॉडल योजना प्रारंभ की जाएगी। राज्य में सौर ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नई सौर ऊर्जा नीति 214 जारी की गई है। इस नीति की सफलता इस बात से आंकी जा सकती है कि नीति लागू होने के बाद राज्य में 14,000 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सन एडिसन सोलर पावर, एशिया पावर एवं अन्य के साथ एमओयू साइन किए गए हैं और 26,000 मेगावाट के सोलर पार्क विकसित करने के लिए अडानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस पावर, INFS लिमिटेड, SL इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट्स या MOUs किए गए हैं। हाल ही में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर केंद्र सरकार द्वारा राज्य को पुरस्कृत किया गया है। पर्यटन कला और संस्कृति का विकास हमारी प्राथमिकता है। वर्ष 2015-16 में पर्यटन कला और संस्कृति क्षेत्र के लिए 244,46,00,000 रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमानों से 68% अधिक है। प्रचार प्रसार के सभी उपलब्ध माध्यमों का समुचित उपयोग करते हुए
राजस्थान को आकर्षक पर्यटन डेस्टिनेशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाएगा। इसके लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही देशी पर्यटकों के समक्ष राजस्थान को आकर्षक पर्यटन स्थल के रूप में प्रस्तुत करने के लिए डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट्स का आयोजन किया जाएगा और जयपुर शहर को मीटिंग्स इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। राज्य के पर्यटन स्थलों के रख रखाव के अभाव के साथ साथ आवश्यक सुविधा जैसे अप्रोच रोड, साइनेजेस, रैंप्स एवं जन सुविधाओं की भी कमी है। पर्यटन विकास के लिए निम्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित है। मालगढ़ धाम बांसवाड़ा का विकास कार्य, जैसलमेर झील उदयपुर का विकास कार्य, शेखावाटी क्षेत्र में हवेलियों का संरक्षण और आधारभूत सुविधाओं का योजनाबद्ध विकास कार्य, चौबुजा गंगा मंदिर, जामा मस्जिद, लक्ष्मण मंदिर भरतपुर, पुराना शहर करौली, नकी झील, माउंट आबू के चारों तरफ के प्रमुख मार्ग तथा गंगा और निकट के क्षेत्र किंग एडवर्ड मेमोरियल अजमेर में हेरिटेज वॉक का भी विकास कार्य, पर्यटन स्थल काकोनी को भंड देवरा जिला दरबार का विकास कार्य, कावी तालाब का सौंदर्यकरण और झालावाड़ जिले के कोरवी बिंदायका और झालावाड़ की चंद्रावत जी की बावली के जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के कार्य, जैसलमेर में स्थित कुलधारा गांव में 13वीं शताब्दी के अवशेष के रेस्टोरेशन एंड प्रिजर्वेशन के साथ साथ अन्य विकास कार्य और जैसलमेर के सोना किले का जीर्णोद्धार कार्य करवाया जाएगा और आगामी वर्षों में पर्यटन स्थल के विकास कार्यों के लिए 35 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है। प्रदेश के अपने धरोहर का संरक्षण करने हेतु वर्ष 2015-16 में 20 करोड़ रुपए की लागत से निम्न कार्य करवाए जा रहे हैं। अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़, कोटा, झालावाड़, जोधपुर, पाली, बीकानेर, सीकर, जैसलमेर के राजकीय संग्रहालयों के विकास कार्य, हाड़ोती पैनोरामा, करणी माता पैनोरामा जिला बीकानेर, संत सुंदरदास पैनोरामा जिला दौसा, लोक देवता रामदेव जी की पैनोरामा जिला जैसलमेर और लोक देवता दीपा जी पैनोरामा जिला झालावाड़ का कार्य, स्वतंत्रता संग्राम पैनोरामा सुगाली माता मूर्ति सहित आगरा जिला पाली एवं शौर्य उद्यान जिला झुंझुनू के विकास कार्य। गत वर्ष स्वीकृत किए गए कार्यों को जारी रखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु 20 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न मंदिरों की मरम्मत जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे। वन पर्यटन सीजन में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में निर्धारित कैरिंग कैपेसिटी से कई गुना अधिक पर्यटक रणथंभौर भ्रमण हेतु आते हैं। बढ़ते हुए पर्यटक दबाव के दृष्टिगत रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र आमली वनखंड में एक टाइगर सफारी की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। उदयपुर में एक नया बायोलॉजिकल पार्क तैयार हो चुका है, साथ ही जयपुर और जोधपुर में भी एक एक बायोलॉजिकल पार्क का कार्य प्रगति पर है। अब मैं बीकानेर में 25 करोड़ रुपए की लागत से बीचवाल बायोलॉजिकल पार्क की स्थापना करने की घोषणा करती हूँ। गत बजट में चूरू में नेचर पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। जयपुर पुष्कर बायपास मुख्य मार्ग पर 20 हेक्टेयर क्षेत्र में हरोगार्डन तथा वनखंड नौलखा जिला झारखंड में स्मृति वन विकसित किया जाएगा। इन कार्यों में 2 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। वन क्षेत्र के निकट रहने वाले लोगों में के विकास, उनकी वनों पर निर्भरता कम करने, रोजगार उपलब्ध करवाने, वन्य जीव और वनों की सुरक्षा के लिए वर्धन योजना, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय वन उद्यान जैसलमेर, माओवाड़ कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य एवं जवाई कॉन्जर्वेशन रिजर्व में पायलट बेसिस पर लागू की जाएगी। इस हेतु वर्ष 2015-16 में 7 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। रणथंभौर सरिस्का टाइगर रिजर्व तथा जवाई एल्बर्ट कॉन्जर्वेशन रिजर्व की पेरिफेरी में बसे गाँव में क्रमशः 5,000 और 2,000 गैस कनेक्शन जारी करने हेतु 2 करोड़ 25 लाख रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। निवेश एवं आर्थिक उद्योग गत बजट घोषणा के क्रम में हमने राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2014 लागू कर दी है। इस योजना में राज्य के पिछले भौगोलिक क्षेत्र थ्रस्ट सेक्टर्स यथा सेरामिक, ग्लास, डेयरी, एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग, प्लास्टिक टू ऑयल मैन्युफैक्चरिंग, पावर लूम, टेक्सटाइल्स, पर्यटन एवं इंडस्ट्रियल गैस क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए वर्ष 2015-16 में रिसर्जन राजस्थान का आयोजन किया जाएगा। रिसर्जन राजस्थान में सहभागी उद्योगों को भूमि की तत्काल उपलब्धता हेतु लैंड बैंक बन रहा है, साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत
उद्यमियों को आवश्यक स्वीकृतियां ऑनलाइन प्रदान करने की व्यवस्था के लिए जिला उद्योग केंद्र व उद्योग आयुक्त कार्यालय का 3 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकरण किया जाएगा। अलवर जिले के टपुपड़ा क्षेत्र में होंडा कोर के निर्माण संयंत्र का उद्घाटन फरवरी 2014 में किया गया था। इस उद्योग के साथ अनेक सहायक इकाइयों की स्थापना की संभावना को ध्यान में रखते हुए होंडा वेंडर्स के लिए औद्योगिक क्षेत्र करौली जिला अलवर में 125 एकड़ भूमि में एक नए जोन की स्थापना की जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सलाह औद्योगिक क्षेत्र जिला अलवर में ग्रीन फ्यूज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के विकास हेतु लगभग 50 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गई है। साथ ही आईटी एवं ईएसडीएन उद्योग के लिए एक डेडिकेटेड जोन बनाने के लिए कलरवास एक्सटेंशन उदयपुर में 127 एकड़ भूमि आरक्षित रखी गई है। लघु उद्योग पूर्व के कुछ वर्षों में मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज पर राज्य सरकार का फोकस कम हो गया था। इन उद्योगों से निवेश एवं रोजगार बढ़ने के साथ साथ नवीन ऑपर्चुनिटीज को भी एस्टैब्लिश होने का मौका मिलता है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए हम कुछ कदम उठाएंगे। एमएसएमई सेक्टर्स के लिए नई प्राइस प्रेफरेंस पॉलिसी लाई जाएगी। एमएसएमई को प्रोत्साहन देने के लिए एक एमएसएमई फैसिलिटेशन सेंटर विकसित किया जाएगा। आईटी, गार्मेंट मेकिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप वेंचर्स एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हेतु प्लग एंड प्ले फैसिलिटीज एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की जाएगी, जिससे कि इन क्षेत्रों में ऐसे नए उद्यमियों को इजी एंट्री और एग्जिट की सुविधा मिल सके। इसके तहत राजसिकों की सोडाला स्थित भूमि पर समस्त सुविधाओं का परिसर विकसित किया जाएगा। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा राजसिकों को 8,50,00,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। खाड़ी क्षेत्र में डिजाइन डेवलपमेंट प्रोडक्ट अपग्रेडेशन तथा मार्केट सपोर्ट के लिए 2,50,00,000 रुपए की सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। लघु खादी और ग्राम उद्योग के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा समर्थित अनेक संस्थाओं के कार्यों में ओवरलैपिंग है, अतः इन संस्थाओं की समीक्षा कर इनका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना तथा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार द्वारा विस्तृत फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। साथ ही पाली जिले में वर्तमान में स्थापित सीईटीपी को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट में परिवर्तित करने का कार्य करवाया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट डिजाइन जयपुर IICD को राजस्थान के 10 मेजर लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स के डॉक्यूमेंटेशन के लिए 10,00,000 रुपए और अनुसंधान सुविधाओं के लिए 20,00,000 रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। देश की राजधानी दिल्ली सब्जियों का एक बहुत बड़ा कंजम्पशन सेंटर है। इस बाजार में राज्य की सब्जियों की आपूर्ति बढ़ाने से प्रदेश के किसान की आय में वृद्धि होगी। राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन के तहत दिल्ली के निकटवर्ती राज्य के जिलों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्षों मिशन के तहत इस पर 15 करोड़ रुपए का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश के प्रत्येक संभाग के एक उत्कृष्ट इंजीनियरिंग और MBA महाविद्यालय में युवा उद्यमियों के लिए इंक्यूबेटर की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक इंक्यूबेटर की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा 50,00,000 रुपए का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही नए उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स लैब की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। खनन में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा 31 प्रधान खनिजों को अप्रधान खनिज घोषित किया गया है। अब राज्य के 98% खनन पट्टे एवं क्वारी लाइसेंसेस अप्रधान खनिजों की श्रेणी में आ गए हैं, जिनका विनियमन राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम 1986 के तहत होगा। इससे आने वाले समय में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और राजस्व में वृद्धि होगी। कृषि और पशुपालन राज्य में पंचायत स्तर पर 248 एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 2,500 किसान सेवा केंद्रों का निर्माण करवाया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 59 पंचायत समिति 1,410 ग्राम पंचायत स्तर के शेष रहे किसान सेवा केंद्र का निर्माण पूर्ण करा दिया जाएगा। इन केंद्रों को क्रियाशील करने के लिए 5,22,00,000 रुपए की लागत से फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया जाएगा। वर्ष 2015-16 में किसान भाइयों को खरीफ व रबी मौसम में पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 3,00,000 मेट्रिक टन यूरिया, 1,00,000 मेट्रिक टन DAP का अग्रिम भंडारण किया जाएगा, जिस पर
55 करोड़ रुपए का हम व्यय करेंगे। राज्य में ऐसे अनेक प्रगतिशील किसान हैं जिन्होंने कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किया है। इनके तकनीकी ज्ञान और अनुभव का लाभ राज्य के अन्य किसानों को उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ऐसे किसानों की पहचान कर इन्हें ऑनररी एक्सटेंशन वर्कर्स के रूप में मान्यता दी जाएगी, ताकि इनकी निःशुल्क सेवाएं अन्य काश्तकारों को भी मिल सके। इनके खेतों पर अन्य काश्तकारों को एक्सपोजर विजिट भी कराई जाएगी और इस हेतु एक विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। समय की मांग है कि खेती में केमिकल्स का कम से कम प्रयोग किया जाए और जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। जैविक खेती के क्षेत्र के उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के 3 कृषकों को प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय अवार्ड देने की मैं घोषणा करती हूँ। चयनित जो कृषक हैं उनको नवीन कृषि तकनीक की जानकारी के लिए देश और विदेश में भ्रमण करवाया जाएगा। राज्य में किसानों को उचित दरों पर सब्जियों की गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य बीज निगम द्वारा राज्य में उगाई जाने वाली सब्जियों की बीजों का उत्पादन प्रारंभ किया जाएगा। इस हेतु आगामी वर्ष 5 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। साथ ही बीजों की गुणवत्ता परीक्षण हेतु उदयपुर में बीज परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त बीजों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा देने के लिए चौमू जिला जयपुर, प्रतापगढ़, बीकानेर, गुड़ावाला जिला बाड़मेर और बांसू जिला अलवर में नए विस्तार केंद्र खोले जाएंगे। कोटा संभाग के समस्त जिलों में भी एक एक विस्तार केंद्र खोला जाना प्रस्तावित है। खरीफ 2015 में जनजाति उपयोजना क्षेत्र के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही जिले की जनजाति, गैर जनजाति, बीपीएल और अंत्योदय परिवारों के कृषकों तथा 12 जिले के किशनगंज और शाहबाद तहसीलों की सहरिया जनजाति, गैर जनजाति, बीपीएल और अंत्योदय परिवार के 2 लाख कृषकों को शंकर मक्का सर्टिफाइड बीज के मिनी किट्स वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। राज्य के पश्चिमोत्तर जिलों में जैतून की खेती की विपुल संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2015-16 में कृषकों को 200 हेक्टेयर क्षेत्र में जैतून की पौधारोपण हेतु अधिकतम 48,000 रुपए प्रति हेक्टेयर अनुदान दिया जाएगा। नागौर जिले में नवीन कृषि महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इतना बड़ा कृषि महाविद्यालय हुआ है आज मुझे सोचना पड़ेगा। राज्य के 12 लाख किसानों को सब्सिडाइज रेट पर विद्युत उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 3 डिस्कॉम को वर्ष 2015-16 में कुल 6,116 करोड़ 58 लाख रुपए की टैरिफ सब्सिडी उपलब्ध करवाई जाएगी। वर्ष 2014-15 में सहकारी बैंकों के माध्यम से शून्य ब्याज दर पर किसानों को फसली ऋण की व्यवस्था को यथावत रखते हुए वर्ष 2015-16 में सहकारी बैंकों के माध्यम से 17,500 करोड़ रुपए के फसली सहकारी ऋण वितरित किए जाएंगे। इसके लिए 370 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ सहकारी बैंकों को ब्याज अनुदान हेतु 150 करोड़ रुपए भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। हमारी सरकार ने वर्ष 2014-15 में दीर्घकालीन कृषि सहकारी ऋणों पर 5% ब्याज अनुदान दिए जाने की घोषणा की थी। इस योजना का लाभ काश्तकारों को वर्ष 2015-16 में भी स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से दिया जाएगा एवं इस हेतु 30 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। वर्ष 2015-16 में 100 ग्राम सहकारी समितियों को गोदाम निर्माण के लिए 10 लाख रुपए प्रति समिति कुल 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही पूर्व में निर्मित गोदामों की मरम्मत और रखरखाव के लिए भी 10 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए जाएंगे। राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, इस हेतु हमें एग्जिस्टिंग बांधों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए राज्य से बाहर जा रहे एक्सेस पानी को भी रोकना होगा। राज्य में पूर्व में निर्मित परियोजनाओं की वाटर एफिशिएंसी बढ़ाने तथा जल के समुचित उपयोग हेतु में निम्न प्रस्ताव करती हूँ। पंचायती राज संस्थानों को स्थानांतरित तालाबों में से 35 का जीर्णोद्धार 35 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण करवाया जाएगा। 53 सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग स्टडी करवाई जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 70 अन्य सिंचाई परियोजनाओं की बेंचमार्किंग स्टडी करवाकर इन सभी परियोजनाओं को उनकी डिजाइन एफिशिएंसी के स्तर पर लाने हेतु चरणबद्ध रूप से आवश्यक कार्य करवाए जाएंगे।
बांसवाड़ा प्रतापगढ़ पाली जोधपुर जालौर धौलपुर करौली और बूंदी जिले में 90 करोड़ रुपए की लागत से 32 जलाशयों की जीर्णोद्धार के कार्य प्रारंभ कर इनमें से 17 कार्यों को वर्ष 2015-16 में पूर्ण किया जाएगा। इस हेतु 36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही विभिन्न जिलों के 77 जलाशयों की जीर्णोद्धार कार्यों की डीपीआर तैयार किए जा रहे हैं। जयपुर भरतपुर कोटा बारा चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले की 33 सिंचाई परियोजनाओं को 15 करोड़ रुपए की लागत से पूर्ण किया जाएगा। साथ ही चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा उदयपुर डूंगरपुर करौली सवाईमाधोपुर बांसवाड़ा कोटा और जयपुर जिले के 27 बांध और नहरों के जीर्णोद्धार हेतु डीपीआर तैयार करवाई जाएगी। आगामी वर्ष में कोटा बस्ती टॉप गंगानगर और बुलंदशहर जिले में 53,612 हेक्टेयर क्षेत्र में 118 करोड़ रुपए की लागत से पक्के खालों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर 40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में इसे पूरा करवाया जाएगा। भीलवाड़ा जिले की जयपुरा डैम की मरम्मत और सुदृढ़ीकरण का कार्य 21,44,00,000 रुपए की लागत से करवाया जाएगा। बारा गोपालपुरा तहसील किशनगंज मध्यम सिंचाई परियोजना का पुनरुद्धार 20 करोड़ रुपए की लागत से करेगा। बांसवाड़ा की माही परियोजना की विद्यमान नहरी तंत्र के सुदृढ़ीकरण का कार्य आगामी 3 वर्षों में 110 करोड़ रुपए की लागत से भविष्य में बनाई जाने वाली पानी भविष्य में बनाई जाने वाली परियोजना में स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति से सिंचाई की अनिवार्यता लागू की जाएगी। साथ ही पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं में भी स्प्रिंकलर और ड्रिप पद्धति लागू करने की कार्य योजना तैयार की जाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं राजस्थान में पूरे देश का मात्र 1% जल उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में सतही जल की एक एक बूंद संग्रहण करना हमारा नैतिक दायित्व है। इसी क्रम में मैं निम्न घोषणाएं करती हूँ कि वर्षा जल सतही जल भू जल और सॉइल मॉइस्चर पर आधारित फोर वाटर कॉन्सेप्ट के तहत साबरमती लूनी वेस्ट बनास तथा सुखी बेसिन में वर्ष 2015-16 में 115 माइक्रो सिंचाई परियोजना को 300 करोड़ रुपए की लागत से 5,265 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। 2014-15 में बांसवाड़ा जिले में माही नदी की सहायक बुना व झालावाड़ जिले में चंबल की सहायक आहू के बेसन में 263 माइनर इरिगेशन ट्रैंक्स के कैचमेंट क्षेत्र पर 1,33,491 हेक्टेयर में फोर वाटर कॉन्सेप्ट के तहत कार्य हाथ में लिया गया है। वर्ष 2015-16 में इस कार्य के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा कराए जा रहे इस कार्य के साथ अन्य विभाग द्वारा कराए जा रहे फोर वाटर कॉन्सेप्ट आधारित कार्य भी राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी की देखरेख में कराए जाएंगे। झालावाड़ जिले में गुराड़िया और रोशनवाड़ी जल सिंचाई परियोजना का निर्माण 100 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं से झालापाठर और कड़ावा तहसील के 3,109 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। चूरू जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना की चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर प्रणाली के शेष सीमित क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई के कार्य 70 करोड़ रुपए की लागत से करवाया जाएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के द्वितीय चरण में शेष रहे 11,000 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र और नर्मदा वृहद सिंचाई नहर परियोजना में शेष रहे 7,000 हेक्टेयर क्षेत्र को खोला जाकर इन परियोजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस क्षेत्र में भी स्प्रिंकलर से ही सिंचाई लागू की जाएगी। टोंक जिले की डीगरू सागर झालावाड़ जिले की पिपला मध्यम सिंचाई परियोजना जयपुर जिले की मानदोरी चित्तौड़गढ़ जिले की सांगलखेड़ा माला देवी एवं धागरा और प्रतापगढ़ जिले की सीरसी का नाका तथा बांसवाड़ा जिले की भीखाबाई सारवाड़ा नहर लघु सिंचाई परियोजनाओं को इस वर्ष पूर्ण किया जाएगा, इसके जिससे 8,071 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पशुपालन और डेयरी प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन की अहम भूमिका है। राज्य में पशु चिकित्सा सेवाओं के विस्तार के लिए मैं निम्न घोषणाएं करती हूँ। 200 उपकेंद्रों को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही 600 नवीन पशु चिकित्सा उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन पर 13 करोड़ 17 लाख 26 तहसीलों में पशुधन चल आरोग्य इकाइयां स्थापित की जाएंगी। इस पर अनुमानित व्यय 54 लाख रुपए होगा। जयपुर शहर में 5 रुपए के पास बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय संचालित है।
वर्तमान में यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़भाड़ वाला हो गया है और बड़े पशुओं को इस चिकित्सालय पर लाना कठिन हो गया है। अतः इस भूमि का डेवलपमेंट कर इससे प्राप्त आय से जयपुर के बाहरी क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार एक से अधिक उच्च स्तरीय बहुउद्देश्य पशु चिकित्सालय निर्मित किए जाए। पशु चिकित्सालय भवनों में काफी लंबे समय से मरम्मत और खुदाई का कार्य नहीं होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि ये चिकित्सालय स्वयं ही बीमार है। इन चिकित्सालयों में सफाई व्यवस्था की भी समस्या है। अतः वर्ष 2015-16 में 1000 संस्थाओं में मरम्मत खुदाई सफाई व्यवस्था के लिए 3,88,00,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पशुपालन गतिविधियों के प्रोत्साहन हेतु प्रदेश स्तर पर प्रतिवर्ष एक्सपो एवं संवाद स्तर पर पशु प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में पशुपालकों के साथ साथ राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाएं एवं विभिन्न उत्पादक कंपनियां भाग लेंगी। पशुपालन शिक्षा के विस्तार के लिए फेज्ड मैनर में निम्न कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ वेटरनरी एजुकेशन एंड रिसर्च जयपुर में स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। इस पर 5 करोड़ रुपए का व्यय होगा। जहर जिला धारावाद 2 करोड़ रुपए का व्यय कर मार्वी कैटल फीडिंग फार्म की स्थापना की जाएगी एवं वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स भी प्रारंभ किया जाएगा। कैमल मिल्क रिसर्च के प्रयास को आगे बढ़ाते हुए लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार तथा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैमल जेनेटिक्स तथा इम्यूनोलॉजी पर केंद्रित रिसर्च परियोजना प्रस्ताव तैयार किया जाएंगे। इसके साथ साथ आगामी वर्ष में कैमल जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भारत सरकार के सहयोग से परियोजना प्रारंभ की जाएगी। मानव संसाधन और सामाजिक विकास प्रदेश के समग्र विकास के साथ साथ समावेशी विकास होना अति आवश्यक है। इसी क्रम में मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता महिला और बाल विकास जनजाति और अल्पसंख्यक विभाग के लिए इस वर्ष 7,854 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित कर रही हूँ जो कि संशोधन अनुमानों के मुकाबले 10% अधिक है। साथ ही इनके विकास हेतु में निम्न घोषणाएं कर रही हूँ। राज्य में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित 200 छात्रावास एवं 17 आवासीय विद्यालयों में आगामी वर्षों में 16 स्ट्रीट लाइट और होम लाइट सिस्टम की स्थापना, उक्त छात्रावासों के रख रखाव एवं उनमें अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान, संबल ग्राम विकास योजना का अन्य योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करते हुए 4,110 गाँव में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण करवाए जाएंगे। इस हेतु वर्ष 2015-16 में 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 के तहत किए जाने वाला मुआवजा पीड़ित को समय पर मिले तथा इसकी ट्रैकिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया जाएगा और भविष्य में इसे भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा। राज्य में सुविधायुक्त गैर सरकारी वृद्धाश्रम को मान्यता प्रदान करने और संचालन के लिए नियमों में प्रावधान कर इसकी रेटिंग की जाएगी। निःशक्त जनों की सुविधा 5,49,00,000 रुपए की लागत से राजकीय भवनों में रैंप्स निर्माण किए जाएंगे। निःशक्त विद्यार्थियों के लिए 99 अधिकृत संस्था द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के लिए आगामी वर्ष 4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2014-15 में पालनहार योजना के 1,26,000 से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया गया और 2015-16 में भी इस योजना के लिए 171 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। हरियाणा जिला जालोर और धनबड़ा जिला झालावाड़ में निष्क्रमणीय पशुपालकों के बालकों के आवासीय विद्यालयों में कला संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय भी खोला जाएगा। वर्ष 2015-16 में 901 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे और इन केंद्रों के संचालन पर 10,44,00,000 रुपए का वार्षिक व्यय होगा। गुजरात की पटकर योजना की तर्ज पर जयपुर में शुरू किए गए बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम को आगामी वर्ष में 5 करोड़ रुपए का व्यय कर अन्य सभी जिलों में लागू किया जाएगा। वर्ष 2015-16 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र और शहरिया क्षेत्र में 100 नए महामारी केंद्र खोले जाएंगे। इन पर लगभग 3 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। जनजाति उपयोजना और शहरिया क्षेत्र में 1,339 महामारी डे केयर सेंटर पर 6 साल से 12 साल तक के 40,170 बच्चों के पोषाहार प्रबंध के लिए 75 लाख रुपए का व्यय कर गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के पशुपालकों का दूध एकत्रित करने हेतु संबंधित डेयरियों को 3 करोड़ रुपए की लागत से 50 बल्क कूलर उपलब्ध करवाए जाएंगे।
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में बालिकाओं के लिए वर्तमान में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और आबू रोड में संचालित 4 आश्रम छात्रावासों को बालिका खेल छात्रावास में परिवर्तित किया जाएगा और प्रतापगढ़ में एक नवीन बालिका खेल छात्रावास प्रारंभ किया जाएगा। इन छात्रावासों में गुणवत्तापूर्ण खेल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक लगाए जाएंगे। इस पर 1,71,00,000 रुपए का व्यय किया जाएगा। 2015-16 में अल्पसंख्यक बहुल्य चयनित ब्लॉक्स में 44,75,00,000 रुपए की लागत से निम्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य करवाए जाएंगे। जिला जैसलमेर के सांगड़ा ब्लॉक में 10 एवं सम ब्लॉक में 4 स्वास्थ्य उप केंद्र के भवन का निर्माण। निकट एवं कोटवाल रामगढ़, खिदरपुर, चौपांगी, इंदौर और करौली के जारा जिला अलवर और झाड़पा चौटन जिला बाड़मेर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण। किशनगढ़ बास, लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर, नगर जिला भरतपुर, सेवा जिला बाड़मेर, हनुमानगढ़ और टोंक में ITI भवन का निर्माण होगा। तिजारा जिला अलवर में राजकीय कला महाविद्यालय के भवन विस्तार का कार्य। जोधपुर, कोटा, रामगढ़, अलवर एवं फतेहपुर सीकर में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी के लिए 4 नए छात्रावास भवन का निर्माण 9 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे। मदरसे में शिक्षा सहयोगियों को मानदेय, शिक्षा सामग्री तथा कंप्यूटर इत्यादि की सुविधाओं के लिए मदरसा बोर्ड को 63 करोड़ रुपया दिए जाने का प्रावधान है। युवा मामले एवं खेल, राज्य के अधिक से अधिक युवा खेल से जुड़े तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करें, इसके लिए राज्य में खिलाड़ियों को निम्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सरमानसिंह स्टेडियम जयपुर के विभिन्न निर्माण कार्य हेतु 8,90,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही प्रदेश के अन्य स्टेडियमों के लिए विकास कार्य और संधारण के लिए 19,90,00,000 रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। तीरंदाजी एवं शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नेशनल अकेडमी ऑफ स्टार्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी। राज्य में बालकों के लिए हॉकी और बास्केटबॉल हेतु नए खेल अकेडमी की स्थापना की जाएगी। खेल समूह द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों के दैनिक भत्ते में बढ़ोतरी की जाएगी। वर्तमान में राज्य स्तर पर दैनिक भत्ता 200 रुपए तथा राष्ट्रीय स्तर पर 500-300 रुपए है, जिसे बढ़ाकर क्रमशः 300 रुपए और 500 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। इससे 1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा। राज्य में चयनित 6 खेलों में राज्य के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु आगामी वर्ष में 70,00,000 रुपए का व्यय प्रस्तावित है। क्रीड़ा परिषद के पास 119 विशेषज्ञ खेल प्रशिक्षक उपलब्ध हैं, जो पर्याप्त नहीं, अतः अनुबंध पर अल्पकालिक प्रशिक्षक नियुक्त कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी, जिस पर 2 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। राज्य में आर्चरी, शूटिंग, राइडिंग, बास्केटबॉल और हॉकी में प्रतिभावान खिलाड़ियों को सही उम्र पर खोजने के लिए इन खेलों के लिए टैलेंट सर्च योजना शीघ्र ही लागू की जाएगी। चुने हुए खिलाड़ियों को राज्य सरकार द्वारा खेल छात्रवृत्ति दी जाएगी। भारत सरकार द्वारा दे राशि के अतिरिक्त समा और विंटर ओलंपिक गेम्स विजेता को स्वर्ण पदक प्राप्त होने पर 75,00,000 रुपए, रजत पदक प्राप्त होने पर 50,00,000 रुपए और कांस्य पदक प्राप्त होने पर 30,00,000 रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार से एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक विजेता प्रेता के निर्धारित प्रपत्र में प्रमाण पत्र लेना होता है, जो उसे असेसमेंट के समय कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत करना होता है। विभिन्न अधिसूचनाओं के तहत निर्धारित इन प्रमाण पत्रों का एक समान प्रारूप बनाया जाकर इन्हें ऑनलाइन जारी करने की व्यवस्था की जाने प्रस्तावित है। वर्तमान में VAT और CST एक्ट हेतु एक ही रिटर्न फाइल किए जाने की सुविधा उपलब्ध है। इस सुविधा का विस्तार करते हुए एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले रिटर्न का VAT और CST एक्ट के अंतर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले सिंगल रिटर्न के साथ इंटीग्रेशन किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में वाणिज्य कर विभाग द्वारा एंटरटेनमेंट टैक्स के अतिरिक्त अन्य सभी कर अधिनियम के अंतर्गत ई रिटर्न की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में एंटरटेनमेंट टैक्स हेतु भी ई रिटर्न की व्यवस्था की जाने प्रस्तावित है। गत वर्ष डीलर द्वारा वाणिज्य कर विभाग की वेबसाइट उपयोग करने की वन टाइम अंडरटेकिंग प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर VAT व CST रिटर्न की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई थी। इसी प्रकार डीलर्स द्वारा विभाग की वेबसाइट उपयोग करने की वन टाइम अंडरटेकिंग प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर एंट्री टैक्स, लक्जरी टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स रिटर्न की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता को भी समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में टैक्स असेसमेंट के पश्चात डीलर को ड्यू रिफंड हेतु सामान्यतः विभाग में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होता है।
डीलर को बिना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए समय से रिफंड देने हेतु असेसमेंट के पश्चात 30 दिवस के अंदर स्वतः ही ड्यू रिफंड डीलर के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करने की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। यह व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2013-14 और इससे आगामी वर्षों से संबंधित टैक्स असेसमेंट के पश्चात ड्यू होने वाले रिफंड हेतु उपलब्ध होंगे। वर्तमान में सी फॉर्म समर्थित इंटरस्टेट बिक्री पर CST की दर 2% है, जबकि वैट की लोअर टैक्स दर 5% है। इस कारण ऐसे डीलर जिनकी अधिकांश बिक्री इंटरस्टेट ट्रेड के रूप में होती है, उनके ITC रिफंड क्लेम की स्थिति बनती है, परंतु ये रिफंड सामान्यतः असेसमेंट के पश्चात ही जारी किया जाता है। इससे डीलर की वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाती है। इस समस्या के निराकरण हेतु ऐसे डीलर जिनका गत वर्ष में 50% से अधिक टर्नओवर इंटरस्टेट सेल का है, उन्हें क्वार्टरली रिटर्न प्रस्तुत करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन करने पर ई रिफंड 30 दिन के भीतर प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कैजुअल कमोडिटीज पर कर संग्रहण हेतु टैक्स कलेक्शन सेंटर्स का संचालन किया जाता है। इन सेंटर्स को IT इनेबल किया जाकर डीलर द्वारा इन कमोडिटीज पर जमा कराए गए कर आदि की सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था की जाने प्रस्तावित है। इससे ITC वेरिफिकेशन में डीलर एवं विभाग को सुविधा मिलेगी। डीलर्स को बिना कार्यालय जाए अपील तथा पंजीयन के आवेदन पत्र के स्टेटस की जानकारी देने के उद्देश्य से ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। गत बजट घोषणा की पालना में वाणिज्यिक कर विभाग के सभी जोनल कार्यालय में PPP मोड पर डीलर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। इस सुविधा का और विस्तार करते हुए जोनल कर भवन परिसर के बाहर स्थित अन्य सभी जोनल कार्यालय में भी PPP मोड पर डीलर फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित किए जाने प्रस्तावित है। वर्तमान कानूनों के अंतर्गत कुछ परिस्थितियों में कर से मुक्ति अथवा रियायती कर दर का लाभ प्राप्त करने के लिए डीलर को बिक्री के समर्थन में वैट डिक्लेरेशन फॉर्म या सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है। ऐसे डीलर्स जो निश्चित समय अवधि में कुछ अपरिहार्य कारण से उपरोक्त डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं कर पाए, उन्हें राहत देने के उद्देश्य से दिनांक 30 सितंबर 2014 तक पूर्ण हो चुके कर निर्धारण के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की समय अवधि दिनांक 30 जून 2015 तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। उद्योग एवं व्यापार जगत की मांग पर संबंधित वित्तीय वर्ष के क्वार्टरली और एनुअल रिटर्न्स में संशोधन हेतु एनुअल रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि के पश्चात 15 दिवस का अतिरिक्त समय दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 20,000 रुपए से अधिक कर लेने वाले डीलर्स को मासिक कर जमा कराना होता है। उक्त सीमा को बढ़ाकर 50,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। इससे 25,000 से अधिक डीलर्स को मासिक कर के स्थान पर त्रैमासिक कर जमा कराने की सुविधा प्राप्त हो जाएगी। डीलर द्वारा वार्षिक अथवा त्रैमासिक रिटर्न नियत समय में फाइल नहीं करने पर लगने वाले लेट फी के प्रावधान को गत बजट में संशोधित किया गया था। उपरोक्त प्रावधानों में आंशिक संशोधन करते हुए कर देयता वाले डीलर्स के लिए न्यूनतम लेट फीस 1,000 रुपए के प्रावधान को विलोपित किया जाना प्रस्तावित है। वर्क कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए एक्सेंप्शन स्कीम का दायरा बढ़ाते हुए राज्य के बाहर से क्रय किए गए माल को वर्क कॉन्ट्रैक्ट में उपयोग करने पर भी एक्सेंप्शन स्कीम का लाभ सशर्त दिया जाना प्रस्तावित है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा दिए गए सब कॉन्ट्रैक्ट को यदि सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा कर चुका दिया गया है तो कर की गणना हेतु सब कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए कार्य के टर्नओवर को प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर के टर्नओवर से डिडक्ट किया जाना प्रस्तावित है। वैट अधिनियम में संशोधन ई कॉमर्स के माध्यम से हाल के वर्षों में व्यापार काफी बढ़ा है। इसे व्यापार को सुचारू नियंत्रण के लिए ई कॉमर्स कंपनी द्वारा राज्य में किए जाने वाले कारोबार में संबंधित वांछित सूचना उपलब्ध कराए जाने के मैंडेटरी प्रावधान वैट अधिनियम में किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहन, हमारा उद्देश्य राज्य के औद्योगिक वातावरण को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाना है। राज्य में इस उद्देश्य से नए निवेश को प्रोत्साहन के साथ साथ अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु नए RIPS 2014 जारी की गई है, जिसमें कई थ्रस्ट सेक्टर्स जैसे पर्यटन, टेक्सटाइल आदि को विशेष लाभ दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य में बड़े निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 750 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले उद्योगों को कैपिटल गुड्स पर और सेवा क्षेत्र के उद्योगों को इक्विपमेंट पर प्रवेश कर से 100% छूट दी गई। हमारा लक्ष्य है कि राज्य में अधिक से अधिक निवेश हो तथा राज्य एक औद्योगिक राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाए। तो
भारत सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम मेक इन इंडिया को हम मेक इन राजस्थान के रूप में परिकल्पित कर सफल बनाने का संकल्प लेते हैं। इसी क्रम में राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैं कुछ और प्रस्ताव प्रस्तुत कर रही हूँ। राजस्थान में कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर आधारित उद्योग प्रमुख स्थान रखते हैं। इन उद्योगों की विट्रिफाइड टाइल से प्रतिस्पर्धा है। कोटा स्टोन, मार्बल और ग्रेनाइट पत्थर के संबंधित मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को ट्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित करते हुए इन उद्योगों को अधिक लाभ दिया जाना प्रस्तावित है और इस क्षेत्र में स्प्लिटिंग, पॉलिशिंग, एज कटिंग, शैल्फरिंग और कैलिब्रेटिंग हेतु लगने वाले एक्सपेंशन एंड न्यू यूनिट को देर ग्राम का 65% से 95% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में रिप्स 2014 में ट्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग उद्योगों को विशेष लाभ दिया जा रहा है। इस सेक्टर में अधिक निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से 250 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को 90% कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी और 10% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी 7 ईयर्स के लिए दी जाने प्रस्तावित है। साथ ही 1200 करोड़ रुपए के अधिक निवेश करने वाली इकाइयों को यह लाभ 10 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में ब्रिक्स 2014 में टूरिज्म सेक्टर को भी ट्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित किया है। राज्य में टूरिज्म को बढ़ावा देने की हमारी प्राथमिकता में से एक है। इस सेक्टर को अधिक प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस योजना में संशोधन किया जाना प्रस्तावित कर रही हूँ। रिप्स 2014 के अंतर्गत टूरिज्म सेक्टर को 1.5 लाख प्राप्त करने के लिए होटल या होटल में निवेश की न्यूनतम सीमा को 5 करोड़ से घटाकर 2 करोड़ रुपए करते हुए रिजॉर्ट तथा कन्वेंशन सेंटर को भी इस श्रेणी में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त टूरिज्म सेक्टर की एंटरप्राइज को कन्वर्जन चार्जेस तथा कन्वर्जन चार्जेस में 6% छूट दिए जाना प्रस्तावित है। रक्षा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए ऐसे एंटरप्राइजेस जो डिफेंस सेक्टर के लिए माल का निर्माण करते हैं को भी रिप्स 2014 के अंतर्गत ट्रस्ट सेक्टर में सम्मिलित कर विशेष लाभ दिए जाना प्रस्तावित है। राज्य में उपलब्ध हार्ड या सिलाइड मोटर को पेयजल के रूप में उपयोग करने के लिए डीसैलिनेशन की प्रक्रिया बहुत आवश्यक है। राज्य में डीसैलिनेशन प्लांट्स की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीसैलिनेशन प्लांट की स्थापना में निवेश करने वाले एंटरप्राइजेस को रिप्स 2014 के अंतर्गत लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने तथा विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। इसी क्रम में जापानी जोन में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के लिए इंटरस्टेट सेल पर 0.25 की सीएसटी दर को दिनांक 31 मार्च 2016 या जीएसटी लागू होने तक जो भी पहले लोगों के लिए बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। प्रवेश राज्य के औद्योगिक वातावरण को इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने तथा राज्य के उद्योग जगत को राहत देने के उद्देश्य से राज्य में लागू प्रवेश कर के दरों में भी कुछ परिवर्तन प्रस्तावित है। राज्य के उद्योग जगत द्वारा उद्योगों में प्रयुक्त वस्तुओं पर देय प्रवेश कर में राहत की मांग की है। उनकी इस मांग के अनुरूप निम्न वस्तुओं पर से प्रवेश कर हटाया जाना प्रस्तावित है। टिन प्लेट, कॉफी, कोको, हैंडपंप, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, फोटोग्राफिक फिल्म एंड फोटोग्राफिक पेपर, एसी प्रेशर पाइप्स, सॉल्ट पीटर गन पाउडर, पोटेशियम एक्सप्लोसिव, वायरलेस रिसेप्शन इंस्ट्रूमेंट्स, एपरेटस, स्पेयर पार्ट्स एंड एक्सेसरीज, ज्वेलरी, मिक्स डाइंग, बेंजीन एंड लिक्विड टर्पेंटाइन ऑयल, मार्बल कटिंग टूल्स, गैंग सॉ, डायनो बिट्स, बताशा, मिश्री, मखाना, शुगर टॉयज, आइसक्रीम, पाइप एंड पाइप फिटिंग्स, रेडियो सेट्स, रेडियोग्राफोन्स, वीसीआर, वीसीडी, टेप रिकॉर्डर्स, ट्रांजिस्टर सेट्स, पार्ट्स एंड एक्सेसरीज थेरऑफ। इनके साथ ही निम्न वस्तुओं पर प्रवेश कर की दरों में को कम किया जाना प्रस्तावित है। ऑल काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्यूल्स इंक्लूडिंग पेट्रोल, गैसोलीन, पेट्रोलियम, कोक इन एनी फॉर्म, हाई स्पीड डीजल एक्सेट्रा फॉर 5G, ऑल काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स, फैक्स मशीन, सिम कार्ड, स्मार्ट कार्ड्स एंड पार्ट्स एंड एक्सेसरीज थेरऑफ 14 to 4, टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स 14 to 4, all kinds of telephone parts 5 to 4, computers and their accessories 5 to 4, parts and accessories of all types of motor vehicles, other than tractors including 2 and 3 wheelers 15 to 4, tire tubes and flaps of 2 wheelers, 3 wheelers, 4 wheelers, motor vehicles with more than 4 wheels or jeep trailers 14 to 4, aluminium structural steel fabricating items including GS stay sets, switch fuse units and isolators 14 to 4, steel structures, steel bars including thermomechanically treated bars 5 to 4, generating sets 14 to 4, transformers and transformer coil
5-4, insulators, ACSR conductors, stray wires 5-4, glass sheets, glass and glass sheets, photocopiers, bitumen of all kinds, lubricants including lube oils, rupees 14-4. Tax advisory committee में तथा समय समय पर प्राप्त अन्य सुझावों को ध्यान में रखते हुए आमजन को राहत देने के उद्देश्य से विभिन्न वस्तुओं पर वैट दर को निम्न स्तर कम किया जाना प्रस्तावित है। आमजन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पूजा एवं सामग्री की बिक्री को कर मुक्त करने की घोषणा पत्थर की चौखट जूट रस्सी कलौंजी काली जीरा बिस्किटोनेट बढ़ने की बिक्री भी कर मुक्त किया। उम्र बढ़ने के साथ साथ नागरिकों को क्या हो जाता है इस ऑपरेशन में प्रयुक्त होने वाले लेंस की बिक्री को कर्मुक्त किया जाना प्रस्ताव है। पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से माउस क्रेजी माउस पाउडर माउस चिप्स की बिक्री को कर्मुक्त राज्य के पत्थर उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दशकों पर बैग की दर 5-2 की जाने प्रस्तावित है। यूज हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर आयरन शीट की आदि यूज लेवल की तरह बैग दर 5-2.5 राज्य में एफिशिएंट एनर्जी यूटिलाइजेशन को ध्यान में रखते हुए इसी तरह बल्ब से ट्यूबलाइट एलईडी बल्ब और एलईडी ट्यूबलाइट पर बैट 5% से 3% राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के क्षेत्र में हवाई सेवा का विशेष महत्व है। पर्यटकों के लिए हवाई सेवा सुलभ हो सके इस हेतु जयपुर के अतिरिक्त अन्य शहरों में शेड्यूल फ्लाइट्स के विमानों को ईंधन पर कर की दर 20% से 10% किया जाना प्रस्तावित है। रेस्टोरेंट्स और कुक्ड और होटल्स में कुक्ड फूड के साथ पिज्जा बर्गर जैसे फास्ट फूड आइटम्स का विक्रय भी किया जाना है जिस पर वर्तमान में 14% कर दर है। रेस्टोरेंट थ्री स्टार्स से कम श्रेणी वाले होटल्स तथा बेसिक हेरिटेज होटल्स द्वारा कुक फूड का विक्रय करने पर 5% कर दिए हैं। इस प्रकार इन होटल्स तथा रेस्टोरेंट में कुक फूड पर दो अलग अलग कर होने के कारण व्यवहारिक कठिनाई उत्पन्न हो रही थी। इसके समाधान के लिए ब्रांडेड कुक फूड चेन को छोड़कर शेष रेस्टोरेंट थ्री स्टार से कम श्रेणी वाले होटल्स तथा बेसिक हेरिटेज होटल्स में इन फास्ट फूड आइटम्स के विक्रय पर भी 5% वैट लागू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त 19 आइटम्स यथा कोर सर्वे और ट्रांसफॉर्मर टीजी सेट्स एल्यूमिनियम कंटेनर्स कंप्रेस गैस लिक्विफाइड गैस फ्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट पोल्स टॉयलेट पेपर टॉयलेट टिश्यू पेपर ब्रशेस यूजिंग टूथ ब्रशेस टॉयलेट मिल्क नॉन मेकेनाइज फ्लोर वाइपर्स और फ्लोर मॉप्स लाइफ जैकेट्स लाइफ बेल्ट सैकिंग रेडियो ट्रांजिस्टर ग्लासेस इन कॉटन वूल मेम्ब्रेन फॉर वाटर ट्रीटमेंट एंड एब्रेसिव पेपर पर वैट दर 14% से 5% किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में विकास कार्य हेतु अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए निम्न उपाय प्रस्तावित हैं। वैट अधिनियम की शेड्यूल 5 की वस्तुओं पर कर दर 14% से 14.5% किया जाना प्रस्तावित है। जेम एंड स्टोन तथा सराफा डीलर्स के लिए वर्तमान में 0.25% की दर से कॉम्पोजिशन की राशि निर्धारित है जिसे 0.75% किया जाना प्रस्तावित है। मोबाइल फोन पर कर दर 5% से 8% किया जाना प्रस्तावित है। विद्युत शुल्क डीजल जनरेटिंग सेट्स के अतिरिक्त अन्य कैप्टिव पावर जनरेटिंग प्लांट्स द्वारा सेल्फ जनरेटेड विद्युत के उपभोग पर 40% प्रति यूनिट की दर से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगाए जाना प्रस्तावित है। विलासिता कर में ने टूरिज्म सेक्टर को रिप्स 2014 में विशेष लाभ देने की घोषणा की है। गत वर्ष ऑफ सीजन में सभी श्रेणियों के होटल पर लागू विलासिता कर के सामान्य दर में 50% की छूट दी गई थी। इसी क्रम में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऑफ सीजन 3 माह में देय विलासिता कर में अब 100% की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य के सभी मैरिज गार्डन्स पर लक्ष्मी टैक्स की देयता करते हुए उनको कॉम्पोजिशन स्कीम का विकल्प उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। राज्य सरकार के विभाग गोम विभिन्न विकास कार्यक्रमों यूआईटी स्थानीय नगरीय निकाय एवं आवासन मंडल द्वारा संचालित सामुदायिक भवनों में उपलब्ध कराए जा रही सुविधाओं को विलासिता कर से 50% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस तथा निम्न वर्ग एलआईजी की व्यक्तियों के पक्ष में विकास प्रकरणों राजस्थान हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निकाय द्वारा आवंटित आवासों के दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी घटाकर क्रमशः 10 रुपये तथा 25 रुपये की हुई है लेकिन इन दस्तावेजों पर पंजीय शुल्क में कोई छूट नहीं है। मैं ईडब्ल्यूएस तथा एलआईजी के व्यक्तियों को पक्ष में निष्पादित इन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क को घटाकर अधिकतम 1000 रुपये करना प्रस्तावित करती हूँ। स्कूल धर्मशाला अस्पताल जैसे सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार स्थानीय निकाय अथवा स्थानीय उपक्रमों को भूमि भवन आदि का दान करने पर दानदाता हो ऐसे दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क की छूट के लिए हर बार राज्य सरकार से निवेदन करना पड़ता है। सार्वजनिक प्रयोजनार्थ संपत्ति के दान को प्रोत्साहित करने के लिए मैं ऐसे दान पत्रों के
के दस्तावेजों को स्टैंप ड्यूटी एवं बजट शुल्क से पूरी तरह मुक्त करना वर्तमान में बकाया स्टैंप ड्यूटी पर 12% वार्षिक कंपाउंडेड दर के ब्याज का प्रावधान है। आमजन को राहत देते हुए ब्याज दर को 12% कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ के स्थान पर 12% सिंपल इंटरेस्ट किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में बकाया स्टैंप ड्यूटी पर पेनल्टी दर 2% प्रतिमाह निर्धारित है। आमजन को राहत देते हुए पेनल्टी की दर को घटाकर 1% प्रतिमाह किया जाना प्रस्तावित है। बढ़ती जनसंख्या के अनुपात में आवास के लिए भूमि की कमी के कारण वर्तमान में बहुमंजिला भवनों का प्रचलन बढ़ रहा है। इस प्रकार सभी को आवास उपलब्ध कराने में बहुमंजिला भवनों की अहम भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए बहुमंजिला भवनों के अधीन भूमि के प्रपोर्शनल मूल्यांकन की वर्तमान दरों में कमी किया जाना प्रस्तावित है। कंपनी फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय किया जाना राज्य सरकार की किसी योजना के अंतर्गत स्टैंप ड्यूटी में छूट का लाभ दिए जाने पर वर्तमान में कृषि भूमि का मूल्यांकन क्रय प्रयोजन के अनुसार तथा अन्य मामलों में यह मूल्यांकन कृषि भूमि की 1.5 गुना दर से किया जाता है। मूल्यांकन के इन अलग अलग मापदंडों को समाप्त करते हुए कंपनी फर्म अथवा संस्था द्वारा कृषि भूमि का क्रय करने पर ऐसी भूमि का मूल्यांकन कृषि भूमि के सामान्य दर से किया जाना प्रस्तावित है। स्टैंप ड्यूटी के से प्राप्त अधिकांश राजस्व अचल संपत्ति के हस्तांतरण दस्तावेजों से प्राप्त होता है। अचल संपत्ति का जितनी बार हस्तांतरण होगा उतनी बार राज्य को राजस्व भी प्राप्त होता है। अतः रिक्त भूखंडों के पंजीकृत हस्तांतरण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे भूखंड के एक वित्तीय वर्ष में प्रथम हस्तांतरण के बाद उसी अवस्था में उसी वित्तीय वर्ष में पुनः हस्तांतरण होने पर प्रत्येक हस्तांतरण पर देय स्टैंप ड्यूटी की कुल राशि में 10% की रियायत दिए जाना प्रस्तावित है। छोटे भूखंड की तुलना में बड़े भूखंडों का मूल्य अधिक होने से उन पर स्टैंप ड्यूटी का भार अधिक आता है। अतः बड़े भूखंडों के क्रय विक्रय की ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए 1000 वर्ग मीटर से बड़े आकार के आवासीय वाणिज्यिक भूखंडों के मूल्यांकन में रियायत दिया जाना प्रस्तावित है। राज्य में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए देने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। अतः निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए स्पॉन्सरिंग बॉडी द्वारा प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थापना के समय उसके पक्ष में अचल संपत्ति के हस्तांतरण हेतु निष्पादित दस्तावेज पर देश स्टैंप ड्यूटी की रियायत दिया जाना प्रस्तावित है। ऑपरेशन विजय कारगिल तो अन्य रक्षा ऑपरेशन में शहीद होने वाले सैनिकों के विधवाओं के पक्ष में राज्य सरकार द्वारा आवंटित भवन या फ्लैट पर देय स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क माफ है। इसके पक्ष में बैंकों वित्तीय संस्थाओं या सहकारी समितियों के ऋण के संबंध में निष्पादित मॉर्गेज डीड पर स्टैंप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क को पूर्ण माफ करने की घोषणा करती है। वर्तमान में रिको क्षेत्र और रिको क्षेत्र के 5 किलोमीटर की परिधि में स्थित औद्योगिक भूमि की दरें रिको क्षेत्र में लागू दरों के समान रखी गई है। सुनियोजित तरीके से विकसित रिको क्षेत्र के मुकाबले उसके बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों में रिको क्षेत्र के समान विकास और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण उनमें रिको की दरें लागू करने से उद्यमियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः रिको क्षेत्र से बाहर स्थित औद्योगिक भूमियों के लिए पृथक से तर्कसंगत दरें निर्धारित किए जाकर ऐसी दरों को लंबित प्रकरणों के लिए भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा आवंटित बेचाण या बेचाण की गई भूमि के संबंध में निष्पादित अपर्याप्त रूप से मुद्रांकित इंटरमीडियट डॉक्यूमेंट्स पर संपत्ति के बाजार मूल्य के 50% पर स्टैंप ड्यूटी दे है। इस श्रेणी दस्तावेजों पर स्टैंप ड्यूटी की गणना में आम जन को आ रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ऐसे दस्तावेजों के निष्पादन की समयावधि के अनुसार वर्तमान बाजार मूल्य के निश्चित प्रतिशत पर स्टैंप ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। स्टैंप अधिनियम के शेड्यूल के Article 5 के तहत लोन अग्रीमेंट तथा Article 6 के तहत इक्विटेबल मॉर्गेज डीड पर वर्तमान में 0.1% की दर से तथा बिना कब्जे वाले सामान्य मॉर्गेज डीड पर Article 37B के तहत 2% की दर से स्टैंप ड्यूटी है। इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों की प्रकृति लगभग एक समान होती है तथा इनमें संपत्ति का कब्जा दिए जाने का प्रावधान नहीं है। अतः इन तीनों श्रेणी के दस्तावेजों को स्टैंप ड्यूटी की एक समान दर 0.15% निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। निर्माण की विभिन्न श्रेणियों तथा स्टेजेस को वर्गीकृत करते हुए स्टैंप ड्यूटी की गणना के लिए निर्माण की श्रेणी के अनुसार उनके मूल्यांकन की दरों को तर्कसंगत करने तथा निर्माण की स्टेजेस की बाजार दरों का निर्धारण किया जाना प्रस्तावित है। पुराने निर्माणों पर डिप्रिसिएशन की जटिल और अव्यवहारिक व्यवस्था को समाप्त करते हुए पुराने निर्माणों पर डिप्रिसिएशन की दरों के लिए
एक सरल और व्यवहारिक व्यवस्था लागू किए जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में जिला स्तरीय समितियों द्वारा जिला में भिन्न भिन्न मापदंडों के भूमि की बाजार निर्धारित की जाती है, जिसके कारण पूरे राज्य में भूमि की दरों के निर्धारण में एकरूपता का अभाव बना रहता है। संपूर्ण राज्य में समान मापदंड पर भूमि दरों के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समितियों के लिए प्रति वर्ष गाइडलाइंस तैयार करने के लिए नियमों में संशोधन कर मान निरीक्षक स्टैंड को अधिक किया जाना प्रस्तावित है। गत वर्ष बजट में कृषि आवासीय और वाणिज्य से भिन्न श्रेणियों की भूमियों के पूरे राज्य में एक समान मापदंड से दरें राज्य सरकार के स्तर से निर्धारित किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में 1000 वर्ग मीटर क्षेत्र वर्ग तक के कृषि भूखंड, कॉर्नर भूखंड तथा अन्य श्रेणी के भूखंडों की तर्कसंगत दरें निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टैंप अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा पारित निर्णय का निर्देशन राजस्थान टैक्स बोर्ड में होता है। राजस्थान टैक्स बोर्ड में बनी राशि के मामलों का समुचित परीक्षण कर निर्णय प्राप्त करने के लिए 10 लाख रुपए से अधिक मान राशि के मामलों की सुनवाई टैक्स बोर्ड की दो या दो से अधिक सदस्यों की पीठ द्वारा किए जाने के लिए नियमों में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। विकास कार्यक्रमों एवं नगरीय निकाय द्वारा मिश्रित भू उपयोग के लिए भूमि के पट्टे जारी किए जा रहे हैं। वर्तमान में मिश्रित भू उपयोग की भूमि के लिए पृथक से बाजार दर निर्धारित नहीं होने के कारण इनके मूल्यांकन में कठिनाई आती है। अतः विकास कार्यक्रमों एवं नगरीय निकायों द्वारा भूमि के मिश्रित भू उपयोग के लिए जारी पत्रों के मामले में भूमि की पृथक से दरें निर्धारित किए जाना प्रस्तावित है। संपत्तियों के पंजीयन में आमजन को सुविधा देने की दृष्टि से गत बजट में मैंने 40 उपपंजीय कार्यालयों को पूर्ण कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की थी। ये 40 उपपंजीय कार्यालय पूर्ण कंप्यूटरीकृत हो चुके हैं। अब नए वित्तीय वर्ष से तृतीय चरण में प्रदेश के 80 और उपपंजीय कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मैंने इस वित्तीय वर्ष में राज्य के 62 स्वतंत्र उपपंजीय क्षेत्रों में ई स्टैंप उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। ई स्टैंप व्यवस्था को पूरे राज्य में लागू करने के क्रम में ई स्टैंप के लिए भारत सरकार द्वारा अधिकृत सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी द्वारा चयनित स्टैंप वेंडर्स और अन्य एजेंसी के माध्यम से राज्य के शेष 23 स्वतंत्र उपपंजीय कार्यालय तथा 50 अलग उपपंजीय कार्यालय में चरणबद्ध रूप से ई स्टैंप व्यवस्था का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही 50,000 से अधिक स्टैंप ड्यूटी देय होने वाले दस्तावेजों में फिजिकल स्टैंप के स्थान पर केवल ई स्टैंप का ही उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जिन दस्तावेजों पर मूल्यानुसार स्टैंप ड्यूटी देय है उन दस्तावेजों पर पंजीयन शुल्क 1% एवं अधिकतम 50,000 रुपये देय है। पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा को बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव से 50,000 रुपये तक मूल्य के दस्तावेजों पर कोई अतिरिक्त भार नहीं आएगा। वित्तीय संस्थाओं के मध्य डेट असाइनमेंट के दस्तावेजों पर संपत्ति के बिना कब्जे वाले अन्य ऋण दस्तावेजों के समान स्टैंप ड्यूटी की दर को 0.15% किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान स्टैंप अधिनियम की अनुसूची में बैंक गारंटी पर पृथक से स्टैंप ड्यूटी के प्रावधान नहीं है। बैंक गारंटी के दस्तावेज को राजस्थान स्टैंप एक्ट के शेड्यूल में पृथक से जोड़कर इस पर 0.25% और अधिकतम 25,000 रुपीज स्टैंप ड्यूटी का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। पैतृक संपत्ति से संबंधित रिलीज डी के वर्तमान प्रावधान को व्यापक बनाकर कतिपय नजदीकी रिश्तेदारों के मध्य निष्पादित अचल संपत्ति की रिलीज डी पर स्टैंप ड्यूटी की 100 रुपये की वर्तमान दर को बढ़ाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। अडॉप्शन डी एग्रीमेंट तथा कतिपय श्रेणी की पावर ऑफ अटॉर्नी पर देय स्टैंप ड्यूटी की वर्तमान दरों को अन्य राज्यों में 3 दस्तावेजों पर प्रभावित दरों को ध्यान में रखते हुए तर्कसंगत किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में आर्म्स लाइसेंस पर स्टैंप ड्यूटी का प्रावधान नहीं है। आर्म्स लाइसेंस को राजस्थान स्टैंप अधिनियम शेड्यूल में सम्मिलित करते हुए व्यक्तियों तथा डीलर्स के पक्ष में जारी किए जाने वाले आर्म्स लाइसेंसेस तथा उनके नवीनीकरण पर श्रेणी अनुसार विभिन्न दरों से स्टैंप ड्यूटी किया जाना प्रस्तावित है। राजस्थान माइनर मिनरल्स पोसेशन रूल्स 1986 के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान में खनिज मार्बल पाउडर पर रॉयल्टी 65 रुपये प्रति टन देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए मार्बल के मलबे के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से खनिज मार्बल पाउडर पर रॉयल्टी की देयता समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। राजस्व उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आवंटियों को कृषि भूमि आवंटन के बेटे बकाया किश्तों की राशि को दिनांक 1 अप्रैल 2015 से 30 सितंबर 2015 तक एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज की छूट दिया जाना प्रस्तावित है। परिवहन में वर्तमान में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन के द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले इनवैलिड कैरिज पर देय एक वाले कर में 100% छूट है। ऐसे कैरिज को तब
सकता नहीं कि बराबर होने के कारण इस छूट का लाभ फिजिकली चैलेंज व्यक्तियों को नहीं मिल पा रहा है। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए रेट्रोफिटमेंट के माध्यम से इन इनवैलिड कैरियर्स को अडैप्टेबल बनाया जाता है। अगर फिजिकली चैलेंज लोगों के द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली 8 लाख रुपए तक की कीमत वाले ऐसे अडैप्टिव इनवैलिड कैरियर्स पर दे एक बार लेकर में 100% छूट दिया जाना प्रस्तावित है। महिलाओं के सशक्तिकरण को दृष्टिगत करते हुए नियमों में संशोधन कर लर्निंग लाइसेंस और चार लाइसेंस फीस में 50% से छूट दिया जाना प्रस्तावित है। मैंने सभी रिप्स 2014 के अंतर्गत टूरिज्म सेक्टर को कई लाभ प्रस्ताव किए हैं। पर्यटन क्षेत्र में रिकग्नाइज टूर ऑपरेटर्स का भी अहम योगदान है। इसी क्रम के राज्य मंडल को बढ़ावा देने हेतु रिकग्नाइज टूर ऑपरेटर्स के एक्सक्लूसिव रूप से पर्यटकों को परिवहन करने वाली 30 बैठक क्षमता से अधिक की एसी कोचेस पर देयर स्पेशल रोड टैक्स 3 वर्ष तक किराया दिया जाना प्रस्तावित है। पिछले बजट में 7,500 किलोग्राम रोज वेहिकल के तक के भार वाहन तथा टैक्सी एवं मैक्सी कैब श्रेणी के दिनांक 1/8/2014 से नए पंजीकृत होने वाले वाहन पर 1 वर्ष में 6 समान किश्तों में जमा करने की दिक्कत के साथ एक मुश्त कर अनिवार्य रूप से आरोपित किए जाने का प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान अब इन्हीं श्रेणियों के दिनांक 1/4/2007 या इसके बाद पंजीकृत हुए वाहन पर भी लागू किया जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार के स्तर पर गठित ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा सभी प्रकार के नॉन ट्रांसपोर्ट वेहिकल्स पर 6% की दर से 1 बार लेकर की फ्लोर रेट अपनाए जाने की अनुशंसा की गई है। 125 cc तक इंजन क्षमता वाले दुपहिया वाहन पर 6% की दर से 1 बार लेकर आरोपित किया जाना प्रस्तावित है। प्योरली ऑफ हाईवे वेहिकल्स की नई श्रेणी राजस्थान मोटर यान कराधान नियम 1951 में परिभाषित की गई है। इन वाहनों को शैसी के रूप में क्रम क्रय करने पर 7.5% की दर से तथा कंप्लीट बॉडी के साथ क्रय किए जाने पर 6% की दर से 1 बार लेकर आमंत्रित किया जाना प्रस्तावित है। राज्य की परमिटधारी यात्री बसों के मोटर वाहन कर की वार्षिक देयता पर दिनांक 1/7/2003 से 12,000 रुपए की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपए किया जाना प्रस्तावित है। इस वित्तीय वर्ष में वाणिज्यिक कर विभाग खान विभाग पंजीयन एवं मुद्रा विभाग द्वारा जारी की गई एमनेस्टी स्कीम का लाभ राज्य के डीलर्स तथा नागरिक द्वारा काफी संख्या में उठाया जा रहा है तथा राज्य को भी राजस्व की प्राप्ति हो रही है। इसी क्रम में वाहन स्वामियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लाई जाना प्रस्तावित है। इस एमनेस्टी स्कीम के अंतर्गत ऐसे वाहन जो अस्तित्व में नहीं है तथा नष्ट हो चुके हैं वो वेहिकल सुरक्षा का संतोषजनक प्रमाण प्रस्तुत करने पर वाहन के नष्ट होने की तिथि के बाद का कर एवं दंड की माफ करना प्रस्तावित है। इस हेतु वाहन मालिक को बकाया राशि दिनांक 30/6/2015 तक जमा करवानी होगी तथा इसके पश्चात वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मोटर वाहन नंबर दिनांक 31/3/2012 तक के बकाया कर को 36/2015 तक जमा कराने पर इस पर देय पेनल्टी को माफ किया जाना प्रस्तावित है। मेरे इन कर प्रस्तावों से लगभग 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय संभावित है तथा 200 करोड़ रुपए से अधिक की आय दी गई है। इन प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिक नियमों के प्रावधान है भी संशोधन प्रस्तावित है। इन संशोधनों के संबंध में विस्तृत उद्देश्य के प्रवचन लिखित विधेयक में वर्णित है। साथ ही मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव और घोषणा की अनुमति हेतु ना कुछ वस्तुओं में कर संबंधित संशोधन एवं अन्य योजना की कुछ अधिसूचना जारी की जा रही है। संशोधित अनुमान मैं सदन को यह बताना चाहूंगी कि भारत सरकार ने वर्ष 2014-15 के बजट अनुमानों में राज्य को केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में 22,432 करोड़ रुपए देने का अनुमान किया था, परंतु भारत सरकार के संशोधित अनुमानों के अनुसार इसमें 2,615 करोड़ रुपए की कमी आई है। यहाँ जहाँ एक और क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत में कमी से राज्य को कम राजस्व प्राप्त होता, वहीं दूसरी ओर केंद्रीय योजनाओं में केंद्रीय अंशदान भी कम प्राप्त होने का अनुमान है। इन सब कारणों से संशोधित अनुमान 2014-15 में 4,219 करोड़ 61 लाख रुपए का राजस्व घाटा अनुमानित है। राज्य में संचालित विभिन्न योजनाओं के आगामी वर्ष के बजट अनुमान केंद्रीय सहायता के रूप में प्राप्त होने वाली राशि के प्रारंभिक आकलन के आधार पर तैयार किए गए हैं। भारत सरकार ने अपने बजट में विभिन्न योजनाओं के शेयरिंग पैटर्न को बदलने के संकेत दिए हैं। कुछ योजनाओं को समाप्त कर दिया है, योजनाओं के नए दिशा निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुए, परंतु प्रारंभिक आकलन के अनुसार इन योजनाओं में केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि में काफी कमी होना संभावित है। तो संशोधित अनुमान वर्ष 2014-15 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। राजस्व प्राप्तियां
96,668 crores 33 lakhs. Rajasthan Bill, 8,1,887 crores 94 lakh rupees. Rajasthan Khata, 4,219 crores 61 lakh rupees. Unji Khate Ne Praptiyan, 29,546 crores 5 lakh. Unji Khate Ne Vyay, 25,223.69 lakhs. And Unji Khate Ne Adhikya, 4,322 crore 36 lakh rupees. वर्ष 2015-16 के लिए बजट अनुमान का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है. राजस्व प्राप्तियां 1,11,361 crore 66 lakh rupees. राजस्व व्यय 1,10,804 crore 84 lakh rupees. राजस्व आधिक्य 556 crore 82 lakh rupees. पूंजी खाते में प्राप्तियां 26,526 crore 3 lakhs. पूंजी खाते में व्यय 26,908 crore 54 lakhs. पूंजी खाते में घाटा 382 crore 51 lakh रुपये. राजस्व आधिक्य वर्ष 2015-16 के मूल अनुमानों में 556 crore 82 lakh रुपये का राजस्व आधिक्य होने का अनुमान. राजकोषीय घाटा वर्ष 2015-16 के बजट अनुमानों में राजकोषीय घाटा 20,609 करोड़ 75 लाख रुपये अनुमान है, जो कि GSDP का 2.99% है. वर्ष 2015-16 का वार्षिक वित्तीय विवरण समापन पर अंतिम है. साथ ही राजस्थान राज्य वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 की अपेक्षा अनुसार अंतरालिक राज्य वित्तीय नीति विवरण, राज्य वित्तीय नीति नीतिगत विवरण एवं बजटीकरण विवरण में समापन पर अंतिम है. अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की जाने वाली. इन भावनाओं के साथ में बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्कृति के साथ मान्य समय के विचार और अनुमोदन. आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक 2015 को पुरस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करते हैं. प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2015 को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की, विधेयक को पुरस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की, आपको पुरस्थापित करते हैं. सदन की बैठक दिनांक 10 मार्च 2015 की प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है. अभी आधे घंटे बाद उनके चैंबर में वो डोनेशन हुए मैंने पर अब तक ये नहीं, मेरे चाचा जी और दोनों का अलग अलग किडनी लगी, वो जो लिवर था वो अपन ने भेजा. लिवर एक्चुअली यू कैन इवन यू नो कंपार्टमेंटलाइज एंड गिव बिकॉज़ दे से ग्रोस अगेन. Is that right? Yes. उनको, I mean उनको. वो देंगे. No, no, but isolation. उनके वो isolation में थैंक यू वेरी मच. आप लोगों के बिना हो नहीं सकता. नहीं बेटा, आपका लॉस है इसलिए मैंने कहा भी बजट में. मैं डॉक्टर से जाता हूँ. बड़ाओं का बहुत गड़ी बहुत A feasibility study on organization and have a standalone institute which only caters to organ donation. Because every day there are 10 such patients who can be. Get this thing done. Acha bhai. And this will be a first. Jaldi theek ho ja. Thank you very much. मैं सबको
इतना कहना चाहती हूँ कि ये बजट जो हमने प्रस्तुत किया, कई डिफिकल्टीज होने के बावजूद हम लोगों ने आपके सामने रखा है। हम जानते हैं कि जिस तरीके से इतनी मेहनत कर ये बजट आप लोगों के सामने रख पाए, मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी पूरी टीम को जिन्होंने रात और दिन एक करके ये काम किया है। इसमें मार्जिन साथ में सब पूरा डिपार्टमेंट। So I want to thank them all for the hard work that they put in, and I think that it is a, the budget that we have managed to put in front of you, despite the difficulties, is a budget which most people will be satisfied with. हमने gap filling के ऊपर बहुत ध्यान देने की कोशिश की है। Normally लोग gap filling नहीं करते हैं, और जो पूर्व की सरकार थी उसने ज्यादातर मैंने देखा हमारा जो भी काम हुआ था उसको अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के इस्तेमाल किया। मेंटेनेंस और गैप फिलिंग वाली बात कोई थी नहीं। हम लोगों ने हर डिपार्टमेंट के अंदर इसको देखने की कोशिश की, क्योंकि आगे तो हम लोग तब बढ़ सकते हैं जब फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग। सो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज गैप फिलिंग। सेकंड वाज वी डोंट वांट टू मेक वी वांट टू मेक व्हाट आई कॉल अ रोड मैप। The idea was to put in front of you a roadmap. एक ऐसा roadmap आपके सामने रहे, जिसको अगले 3 साल तक implementation के द्वारा pursue करके सब सामान को जमीन में डालने का काम करें। आप लोग सब मेरे को ये कहते हो कि fourth year हमेशा एक जिसको बोलते हैं ना dream budget होता है, और हम ये जानते हैं कि वो जो dream budget होता है, वो जमीन पे कभी आता भी नहीं है। आप ये कहते हो हमको भी सही होगा। रिसर्चिंग राजस्थान जब मैंने पिछले बार 2007 में किया, उससे हमको ये सीख मिली, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हम जमीन पे लाना चाह रहे थे, बिकॉज सारी एक बचा था हम नहीं कर पाए। इसलिए रिसर्चिंग राजस्थान को भी सेकेंड ईयर में हम ले रहे हैं, एंड जिसको ड्रीम बजट कहते हैं उसको वर्किंग बजट मैं कहती हूँ, उसको हम लोगों ने सेकेंड ईयर में लिया है। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर ध्यान देने का काम व्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने इन चीजों के ऊपर इनफ व्हाट यू कॉल इट रेवेन्यू का इंतजाम किया है। आई थिंक देयर एनी क्वेश्चन दैट यू वुड लाइक टू आस्क योर रिप्रेजेंटेटिव। बाड़ी सर आज के मैडम आपने कुल 5 साल मेरा हाथ पकड़ने वाली बात है। मैंने आपको ये कहा है 15 लाख आई एम गोइंग टू बी एबल टू फिनिश इन 5 इयर्स। मैं आपको ये भी कहा कि फर्स्ट क्या फर्स्ट जो मैं आपको ये मैंने कहा कि हमको समय लगा, एक तो इलेक्शन की वजह से, और जो फ्री समय हमने हमको मिला हमने जो उन नौकरियों को बढ़ाने के लिए जिन चीजों की जरूरत है उन चीजों को जमीन पे लाने का काम हम लोगों ने किया। जैसे ITI को सुदृढ़ करने का, जैसे लोगों के साथ संपर्क बनाने का, जैसे MOU इंडस्ट्रीज के साथ बनाने का, जैसे सिंगापुर वालों के साथ ITES करार करने का, इस तरीके से जो हमको जमीनी काम करने थे वो पिछले साल के अंदर हमारे पूरे हुए। अब आप ये बोनस देखना शुरू कर दिया। उस साल में भी इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोगों ने करीबन जस्ट अंडर 1 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया है, और मैं समझती हूँ कि आने वाले समय के अंदर भी जब रोल आउट हो गया है तो दिस शुड बी मच फास्टर, वी शुड बी एबल टू डू मच बेटर नंबर टू फिनिश द नंबर ऑफ 15 लाख बाय द एंड ऑफ द लास्ट ईयर। और हम जो भी करते हैं हमारी कोशिश ये होती है कि जनता को उसका लाभ मिले, ना कि किन्हीं चुने लोगों को। तो हमारा काम, मैंने पिछले बार भी आप लोगों को हाउस के अंदर कहा है कि जब तक मेरे को स्टेट लायक अच्छा नेगोशिएशन नहीं होता, मैं उसको नेगोशिएशन को क्लोज नहीं करने वाली। अभी नेगोशिएशन चल रहे हैं, और दो मीटिंग के बाद हो सकता है तीसरी मीटिंग के बाद या कुछ भी क्लियर में उसमें लगेगा। ऑनरेबल इसलिए बजट एस्टीमेट को फिक्स किया है, जो मैंने पिछले बार कहा था जमीन हमारी, पैसा भी हमारा, तेल भी हमारा, और ओनली 25% इन द कंपनी शेयर्स। तो आप बताओ मेरे को नेगोशिएट करना है कि नहीं करना है।
क्योंकि अगर स्थिति में रिफाइनरी आप लगाते हो बेनिफिट अपने को तो नहीं मिलने वाला है। और एक चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जो आप लोगों को इन्होंने गुमराह किया है, नॉट ऑल ऑफ 800 पीपल विल गेट जॉब्स इनसाइड द रिफाइनरी, अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज़ these are not job oriented factories, these are automated, highly automated factories, and it's under milega aur uska cascading effect par milega aapko. to ye jo aap keh rahe ho na bola bika hai jo banaye log banaye hain, unfortunately unki sarkar ki hai abhi to samajh aaya hai to aapko sachai ke siway aur kuch nahi pata hai madam badhni companies ki halat aap ji wo net revenue ka hai to government india ka jitna net revenue hoga usi ka 42% आएगा। और दूसरी वो आपका छोटा एक और दो में नहीं है ना, हम अभी कह नहीं सकते आपको क्योंकि हमारे पास जब उनका पूरा ओवरऑल आएगा तभी तो बात कर सकते हैं कि कितना खत्म किया, कितना रखा, इसका शेयरिंग क्या है, दैट इंफॉर्मेशन जब आएगा तभी हम आपको, अभी तो अनुमान है। कंपनियों में घाटे के साथ शॉर्ट टर्म लोन, क्योंकि आप क्या हो रहा है कि लॉन्ग टर्म मैंने जो बड़े कब्जे हैं उनको हटाने के लिए शॉर्ट टर्म लोन दिए जा सकते हैं। ये जो 67 करोड़ जो हमारे पर घाटा छोड़ गए हैं, तमाम बिकॉज़ ऑफ ऑल ऑफ दिस, तो देयर विल बी 5 or 6 or 7 वेज ऑफ हैंडलिंग इट। वन विल बी डीलिंग विद लोन्स, वन विल बी डीलिंग विद प्राइसेस, दैट मींस हमको रेवेन्यू और बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्राइस बढ़ा के थोड़ा सा पैसा बनाएंगे, तो इट विल टेक केयर ऑफ दैट। एंड अदर थिंग इज टू सी चीजों को किस तरह से कम किया जाएगा। सो इट इज अ थ्री और फोर प्रॉन्ग्ड अप्रोच को आपको साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक दूसरे के ऊपर वो इफेक्टिव होंगे और उसके वजह से वी थिंक विद अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन हम उसको नीचे ला सकते हैं। डिसिप्लिन की जरूरत है यहां पर, आपने कह दिया तो कह दिया और आपने कह दिया तो इससे होने वाला नहीं। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट एंड इट इज नॉट जस्ट कि गवर्नमेंट करेगा, इसमें सबको ये ध्यान देने की जरूरत है कि इट इज गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट 5 पीपल सिटिंग हियर, इट इज ऑल ऑफ राजस्थान दैट इज इन्वॉल्व। जो हम लोगों के ऊपर उन्होंने कह डाली है उस चीज के लिए एक या दो या दस व्यक्ति नहीं कर सकेंगे, हम सबको मिलकर उसको उसी तरीके से डील करना पड़ेगा ताकि नुकसान फायदा, माने नुकसान टर्न्स इनटू फायदा, ये अपने को बैठ के करना होगा। मुख्य बात जब आपने बजट पेश किया था पीएचडी के बारे में उनका पूरा करेंगे, ये हमने प्लान बनाया है कि ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो बहुत कई सालों से चले आ रहे हैं इनको अब एक फेज मैनर में पूरा करेंगे। कोई महसूस होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य है, हमने भी इसके लिए कुछ किया है और हम सब अपने राजस्थान के लिए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, ये चीज हमें लाने की जरूरत है और हम इसी पे लगे। काम हो नीचे तक पहुंचे, ये ऊपर ऊपर तक नहीं रहेगा, नीचे तक जाएगा। आप यहाँ पूछेंगे ऐसा है ना कि लेट अस नॉट डू क्या बोलते हैं, हवा में वाली जो बात है ना, आपको उसमें कहने से क्या मतलब है? आप एक बार इसका स्टडी कर लें, इसका अपन देख लें और टाइम टाइम से वो भी क्लियर है। हमारी कोशिश ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो हमारे सब डीलर्स और जो वहाँ टैक्स वगैरह देते हैं उन सब लोगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किस तरीके से हो, क्योंकि मैं मानती हूँ कि अगर जिन लोगों पे से टैक्स अपन ले रहे हैं उनके लिए आप आसान कर देते हो तो उनको टैक्स देने में मुसीबत नहीं होती। उसी मतलब कब होती है कि कहां से मैं रिफंड हूं, कहां से मैं पैसा दूं, कहां से मैं, अब किसको सबको स्मूथ करके एक को दूसरे के अंदर का वो करके समावेश करके उनको एक स्कीम के तहत हम लोग सबके सामने कर देंगे तो मैं समझती हूं कि सबके लिए आराम होगा। पर मैंने हमेशा ये देखा है कि जब आराम होता है तो टैक्स पेमेंट करने में लोग परेशान नहीं होते, तो देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ओवर टैक्स कोई करता है तो लोग इधर उधर करने का आटे शुरू हो जाते हैं, परंतु अगर सही लेवल के ऊपर टैक्स अपन ले लाते हैं, भले ही थोड़ा सा हमको लूज करना पड़े और सोचे हम कि लूज करना है, परंतु क्योंकि इकोनॉमी जो स्केल हो जाती है उससे बहुत ज्यादा
तो अपन दो तरीके से उसको लेना, देखिए हमने उसी तरीके से लेना। मैडम